काफ़ी विकास कार्य किए हुए हैं, रोड सड़क वगैरह दिया हुआ है, पानी के प्रोजेक्ट दिए हुए हैं विधायक साहब ने। अब हम आगे भी ठाकुर साहब से चाहते हैं कि वो भी हमारी पंचायत का विकास करें, निरंतर विकास करते रहे। आप कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ हुआ, क्या कुछ होना बाकी है, बताइए। क्या होना, विकास होना चाहिए, बेरोजगारी दूर होनी चाहिए, बेरोजगारी बड़ी समस्या है यहाँ पे, इतना ही है, और क्या करना, आगे विकास होना चाहिए। बेरोजगारी की उन्होंने बात की, आप एक युवा हैं, आप कैसा प्रतिनिधित्व जो आने वाले समय में चाहते हैं, कैसा विधायक जो है वो यहाँ से होना चाहिए? हमारे यहाँ पे शिक्षण संस्थान खुलने चाहिए और बेरोजगारी की समस्या दूर होनी चाहिए। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं चाहती हूँ कि मतलब अच्छी शिक्षा, मतलब एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो, और थोड़े मतलब लैब्स वगैरह जो हमारे स्कूल में नहीं है यहाँ पे, ऐसे मतलब फिलहाल तो विधायक जो है हमारे उन्होंने किया हुआ है, पर मैं चाहती हूँ कि थोड़ा इम्प्रूव हो। ठीक है, काम हुए हैं लेकिन इम्प्रूवमेंट की जो है वो यहाँ पे मांग उठ रही है। आप कैसे आंकलन करते हैं, क्या कुछ कहना, आप नहीं कहना चाहेंगे, आप बताइए। धार को सड़क चाहिए, और आई भी है पर और भी चाहिए, पूरी होनी चाहिए, और प्लस टू भी चाहिए। अच्छा, जी वहाँ पे स्कूल और रोड चाहिए, प्लस टू स्कूल रोड चाहिए। आपका शुभ नाम और द्रंग विधानसभा, इस तरफ अगर आप थोड़ा सा देखें यहाँ सामने कैमरे की तरफ, द्रंग विधानसभा क्षेत्र में क्या कुछ हुआ और क्या कुछ होना जो अभी बाकी है? मेरा नाम आलमचंद शर्मा। द्रंग देखिए जी, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। द्रंग में पहले भी विकास हुआ, हमारी ग्राम पंचायत बटवाड़ी, यहाँ से दो दो MLA रहे, श्री दीनानाथ शास्त्री जी, और दोनों हमारा सौभाग्य है कि दोनों ठाकुर जवाहर जी दोनों यहाँ हमारी ग्राम पंचायत बटवाड़ी के प्रधान भी रहे, और ग्राम पंचायत बटवाड़ी एक चेतना की राजनीतिक पॉलिटिकल अवेयरनेस की दृष्टि से नंबर 1 पंचायत है, और यहाँ अच्छे पढ़े लिखे, विकास निरंतर प्रक्रिया है, पीछे भी हुआ है विकास, अच्छा किया जवाहर ठाकुर जी ने, बहुत बढ़िया विकास किया हमारी पंचायत के लिए, जो जो हमने मांगा है, चाहे निम्न स्तर पर चाहे बड़े स्तर पे। मैं चाहता हूँ जो इनका घोषणा पत्र है आगे, जो मॉडर्न स्कूल वगैरह इंग्लिश मीडियम स्कूल है, उस तरह के संस्थान यहाँ खुले, ITI वगैरह यहाँ खुले, बाकी ज़्यादा नहीं कहूँगा। हम चाहते हैं कि यहाँ से हमारे जो प्रतिनिधित्व ठाकुर कौल सिंह जी विजयी होकर के जाएं, मुख्यमंत्री बने हिमाचल का, और हमारा विकास हो, ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, जैसे सराज में विकास हुआ वैसे विकास हो। तो ये द्रंग विधानसभा क्षेत्र की जो भटवाड़ी पंचायत है, वहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पर काम हुए भी हैं और भविष्य में जैसे विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, आने वाले समय भी इन्हें उम्मीद है कि जो भी प्रतिनिधि यहाँ से चुनकर जाए वो क्षेत्र का विकास करे, इलाके का विकास करे, बड़े शिक्षण संस्थान आए यहाँ पर, बेरोजगारी की जो समस्या है वो दूर हो, इन्हीं सब बातों को लेकर जो है वो द्रंग विधानसभा क्षेत्र की जनता अपने नए प्रतिनिधि से आस लगाए बैठी है। Channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. BJP में नेतृत्व की कमी है, जयराम जी कांग्रेस के पास बहुत मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, और कांग्रेस का मुख्यमंत्री लोकतंत्र के तरीके से बनता है, पूछा कौन होगा मुख्यमंत्री, लोकतंत्र के 50 विधायक चुन करके जाएंगे, दिल्ली से जो हमारे ऑब्जर्वर आते हैं एक एक विधायक की राय लेते हैं, पूछते हैं किसको बनाना है, फिर दिल्ली को खबर देते हैं, फिर सोनिया गांधी जी
जो हमारे हाई कमान जो है वो बोलते हैं इसको कांग्रेस की ओथ दिला दो वो मुख्यमंत्री होगा। आपकी तो ताना शाही पार्टी कांग्रेस नहीं है, जयराम सरकार भाजपा को हटाना है, कांग्रेस को सत्ता में लाना है और कांग्रेस सत्ता में आएगी और सत्ता में आएगी ये जो सुनौर का इलाका है हमारा पर्यटक की दृष्टि से हम इसको वो भारेंगे। एक कितना अच्छा क्षेत्र है, यहाँ नेचर पार्क बनेंगे, यहाँ आप जानते हैं मैंने यहाँ से अपराशन के लिए सड़क के लिए 14 करोड़ रुपए मंजूर कर दिया है, सिर्फ उसमें वन विभाग की मंजूरी थी जिसकी मंजूरी में जोहर के वक्त में मंजूरी हुई काम शुरू हुआ है। तो इसलिए हमें बड़ी खुशी है कि ये क्षेत्र जो है पर्यटक की दृष्टि से उभरेगा और देखेंगे जहां जहां संभावना होगी नेचर पार्क में बनाएंगे, हम जयराम की तरह हेलीपैड में बनाएंगे मिशन रिपीट और दूसरे बोलते रिवाज बदलेंगे। भाई हम पहाड़ी आदमी है, हमारा क्या रिवाज बदलना है, हमारा रिवाज नहीं बदल सकते। अब तो हिमाचल की जनता जयराम जी आपका ताज बदलेगी, आपका ताज जो है कांग्रेस के सिर पे जाएगा और आप सत्ता से बाहर होंगे, हिमाचल की जनता ने मन बनाया है। कसौटी पर नेताजी, और आज हम जैसे कि हमने आपको बताया कि द्रंग विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हैं, वो क्षेत्र जहां से कांग्रेस पार्टी के सबसे वरिष्ठ और दिग्गज नेता कौल सिंह ठाकुर ने लंबे समय तक प्रतिनिधित्व किया। 8 बार वो यहां से विधायक रहे और कई बार राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे, 2 बार पार्टी की कमान भी संभाली, 2 बार पार्टी के अध्यक्ष भी रहे। लेकिन 2017 के चुनावों में कुछ ऐसा उलटफेर हुआ कि उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अब 2022 के चुनावों में वो एक बार फिर से चुनावी मैदान में है और किन बातों को लेकर, किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच में जा रहे हैं, इस वक्त बातचीत करने के लिए खुद हमारे साथ मौजूद है। सर स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। पहले तो यही बताइए कि कैसा चला है चुनाव प्रचार, 5 वर्षों के बाद एक बार फिर से जो है वो आपको चुनावी मैदान में उतरने का मौका मिला है। मेरा चुनाव प्रचार बहुत अच्छा चला है और मेरा चुनाव प्रचार हर बार मेरे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता करते हैं। कार्यकर्ता गांव-गांव में जाके, घर-घर में जाके कांग्रेस पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। मैंने भी अपने 5 साल के दौरान में जब मैं हार भी गया था तो घर नहीं बैठा, मैंने पंचायतों में भ्रमण किया, फिर गांव-गांव का दौरा किया। लोगों को पता है कि ठाकुर कौल सिंह हमें अपने परिवार की तरह समझते हैं, लोगों ने बहुत प्यार दिया है और बहुत सहयोग लोगों ने दिया है। अब की बार जो चुनाव प्रचार है, मैं समझता हूँ आज तक जो इतने 9-10 चुनाव में लड़े हैं, आज तक का चुनाव, आज का जो चुनाव प्रचार है वो बहुत ही तेज़ रफ्तार के साथ, लोगों ने पिछली गलती को महसूस किया है और पिछली गलती को ना दोहराने का अपना संकल्प लिया है। तो भारी संख्या में आपने देखा कि भारी संख्या में हर पंचायत में, पंचायत मुख्यालय में लोग इकट्ठे हो रहे हैं, जनसभाएँ कर रहे हैं और आश्वासन दे रहे हैं और सैकड़ों भाजपा के कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं उनका कांग्रेस पार्टी में स्वागत करता हूं और कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए वो लोग काम करेंगे। बड़े लंबे समय तक ठाकुर साहब आपने द्रंग विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया, क्या कुछ आपने यहां पर विकास के कुछ आयाम स्थापित किए और अगर दोबारा आपको चुनकर जाने का मौका मिलता है तो क्या कुछ आप करना चाहेंगे द्रंग विधानसभा क्षेत्र के लिए भविष्य में? द्रंग चुनाव क्षेत्र हिमाचल प्रदेश का सबसे पिछड़ा हुआ चुनाव क्षेत्र था 1977 में, जब मैं पहली बार विधायक चुन करके गया। गांव में बिजली नहीं थी, पीने के पानी नहीं था, सड़कें नहीं थी, स्कूल नाम मात्र के थे, कॉलेज का नामो निशान नहीं था और आज हालत यह है कि लगभग हर पंचायत को सड़क से जोड़ा है, हर पंचायत मुख्यालय पे गाड़ी पहुंचती है, बस जा रही है और हर बड़े बड़े गाँव को भी मैंने सड़क से जोड़ा है। उसके साथ ही सबसे बड़ी उपलब्धि जो हमारे द्रंग चुनाव क्षेत्र में हुई है, श्री अर्जुन सिंह जो पहले शिक्षा मंत्री थे भारत सरकार में, उनसे मिल करके मैंने IIT जो है मंडी के लिए लाया। मैं उनसे मिलने गया, मैंने कहा जी गुरुजी मुझे एक IIT दे दो। उन्होंने कहा कि अभी 8 IIT हिंदुस्तान के अंदर है। मैं कहा जी नहीं, मुझे दे दो। उन्होंने कहा कि 2500 बीघा ज़मीन चाहिए। मैं कहा जी मैं 3000 दूँगा। फिर उन्होंने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से बात की वहीं कि मैं आपको IIT दे रहा हूँ लेकिन ठाकुर कौल सिंह के चुनाव क्षेत्र में खोलनी है। राजा साहब एकदम मान गए। जब ये IIT मंजूर हुई, शिमला में घोषणा हुई, तो उसके कैबिनेट में हमने फैसला किया कि IIT जो है वो मंडी में खुलेगी और मंडी के भी कमांड का फैसला किया। उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी हमने उनसे ली
हमने कहा वो धर्मशाला में खोलेगी, हिमाचल का बड़ा जिला है। एक सबसे बड़ी बात यह है। फिर सबसे चार मेडिकल कॉलेज 5 साल में लेना, मैं स्वास्थ्य मंत्री था, केंद्र में गुलाम नबी आजाद जी यूपीए की सरकार थी, उनसे मैंने 4 मेडिकल कॉलेज लिए। एक मेडिकल मंडी के मंडी में नेहर चौक में खोला, एक मेडिकल कॉलेज नाहर में खोला सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में, एक मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में खोला, और एक चंबा में, बहुत दूर दराज का क्षेत्र हमारे चंबा में, मेडिकल कॉलेज खोला। 4 मेडिकल कॉलेज 5 साल में खोलने एक बहुत बड़ी बात थी। और मेडिकल कॉलेज के लिए 190 करोड़ रुपया भी हमने गुलाम नबी आजाद से लिया, तो इसलिए एक बहुत बड़ी। और लेकिन मैंने कोश लगभग हर पंचायत में सीनियर सेकेंडरी, जहाँ प्राइमरी स्कूल होते थे वहाँ सीनियर सेकेंडरी स्कूल हमने खोले। 3 कॉलेज द्रंग चुनाव क्षेत्र में डिग्री कॉलेज मैंने खोले हैं, एक कॉलेज यहाँ पनारसा में है, एक कॉलेज पद्धर नारला में है, और एक कॉलेज हम द्रंग अपने ब्रोड के साथ ही जो है इकट्ठे, हमारे पास जगह थी तो बाहर साथ में पड़ोस पंचायत में खोला, तो वहाँ हमारे बच्चे जो है शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। 3 ITI हमने खोली, एक यहाँ थलौट में खोली है, और एक शिवा बाजार में खोली है, और एक पद्धर में ITI खोली है। तो इस तरीके से हमने बहुत से इंस्टीट्यूशन, बहुत से दफ्तर हमें खोले। पद्धर में जहाँ एक पटवारी बैठता था, आज मैंने एसटीएम का दफ्तर वहाँ खोला है, तहसीलदार है, नायब तहसीलदार है, एसटीएम है, सारे दफ्तर ब्लॉक हमारा द्रंग ब्लॉक जो है जोगिंदर नगर होता था उसको उठा करके मैंने पद्धर लाया। हालांकि जो नगर ने लालों ने 7 दिन हड़ताल रखी, मैंने उसकी प्रभारी की। तहसील वेलफेयर का दफ्तर, CDPO का दफ्तर, वहाँ ट्रेजरी हमने खोली। और अब की बात तो मैंने सिविल कोड का भी फैसला किया था, जो जयराम सरकार ने पहले थुनाग में खोला और हमारा जो है सिविल कोर्ट रह गया। फायर ब्रिगेड का दफ्तर मैंने पद्धर खोला, क्योंकि चौहार घाटी में आग लगती थी उसके लिए, वो भी थुनाग में ले गए मुख्यमंत्री महोदय। तो इस तरीके से मुझे बहुत काम हुए हैं, लेकिन काम अभी अधूरे भी हैं, अधूरे कामों को पूरा करना है। और हमारा चुनाव क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है, बर्फ़ भी पड़ती है, सेब के बगीचे भी है, तो पर्यटन की दृष्टि से अब इस क्षेत्र को विकसित करना मेरा काम है। यहाँ से हम एक सड़क जो है प्रासर के लिए बना रहे हैं, 14.5 करोड़ रुपये उस वक्त मैंने उसके लिए मजदूर कराया था, और सड़क 10 किलोमीटर है, पक्की भी सड़क साथ होगी। तो इसलिए इससे पर्यटन की दृष्टि से बहुत मतलब महत्वपूर्ण ये एरिया बन जाएगा, लोगों के रेस्टोरेंट खड़ गए, इतनी बड़ी बिल्डिंगें यहाँ बनी हैं, ये होटल चल सकता है। तो इस तरीके से मेरा एक प्रयास है। और नेचर पार्क, जगह जगह पे नेचर पार्क खोलेंगे, ताकि 4-5 लड़कों को उसमें रोज़गार बने, फॉरेस्ट के जो और रेस्टोरेंट खुले सड़कों के किनारे, उसके लिए हम प्रयास करेंगे। ये तो हुई ठाकुर साहब द्रंग की बात। अब अगर थोड़ी प्रदेश की राजनीति पर आए, तो अगर आप इस बार चुनाव जीत कर जाते हैं तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से आप सबसे वरिष्ठ नेता होंगे, जो लगातार इतने लंबे समय से चुनाव जीत रहे हैं और विधानसभा में पहुंचेंगे। वीरभद्र सिंह जी का देहांत हो चुका है, और अब इस बार अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री के लिए नया चेहरा होगा, क्या वो चेहरा कौल सिंह ठाकुर होंगे? ऐसा है, कांग्रेस लोकतंत्र में विश्वास रखती है, और कांग्रेस का मुख्यमंत्री लोकतांत्रिक तरीके से जो है चुना जाता है। जब हमारे 45-50 विधायक चुन करके जाएंगे, तो कांग्रेस पार्टी के ऑब्जर्वर आएंगे, वो विधायकों की राय लेंगे, विधायकों की राय लेकर के फिर वरिष्ठता का भी वो केंद्र सरकार को, अपने हाईकमांड को अपने रिजल्ट देंगे, तो हाईकमांड फिर बोलेगी कि आप इसको मुख्यमंत्री बना दो। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ठीक है कि वीरभद्र सिंह जी ही मेरे से सीनियर थे कांग्रेस पार्टी के हिमाचल प्रदेश के अंदर, उसके बाद मैं अब आज की डेट में मैं सबसे वरिष्ठ कांग्रेसी हूँ हिमाचल प्रदेश के विधानसभा में, और सोनिया गांधी का, कांग्रेस हाईकमांड का मुझ पर पूरा आशीर्वाद है, क्योंकि सोनिया जी ने ही 2 बार मुझे हिमाचल प्रदेश का कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया। जब मंत्री बनाते हैं तभी सोनिया गांधी मंत्री किसको बनाना है, सोनिया गांधी करती है। 4 बार मैंने मंत्री की ओथ ली, और एक बार फिर मैंने कहा कि मैंने मंत्री जी मैंने स्पीकर बनना है, स्पीकर बना, विदेशों का दौरा किया, और हिमाचल की जो है वहाँ मान सम्मान अपना बढ़ाया है कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन में भाषण दे करके, कि हिमाचल में डेमोक्रेसी कैसे काम करिए उसके बारे में विदेशों में बताया। सर, आप कह रहे हैं कि जब विधायक चुनकर आएंगे तो वही इसका निर्णय करेंगे, लेकिन अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री पद को लेकर कांग्रेस पार्टी में इस वक्त बहुत से नेता हैं जो लगातार दौड़ में हैं, और कहीं ना कहीं अगर हॉली लॉज की हम बात करें तो हॉली लॉज भी जो है इस दौड़ में शामिल है, और हॉली लॉज के साथ आपके जो पुराने संबंध थे वो भी जग जाहिर हैं।
तो ऐसे में क्या खुद कौल सिंह ठाकुर दावा पेश करेंगे कि नाउ आई एम द कैंडिडेट ऑफ चीफ मिनिस्टर फ्रॉम कांग्रेस? मैं समझता हूँ दावा पेश करने से कुछ नहीं होता है। मुझे पार्टी हाईकमांड जो है ना, पार्टी हाईकमांड का पूरा आशीर्वाद है, और पार्टी हाईकमांड मेरी वरिष्ठता को देखते हुए, मेरे अनुभव को देखते हुए, मेरी पढ़ाई को देखते हुए, पार्टी के प्रति जो मेरी लॉयल्टी को देखते हुए निश्चित तौर पर मेरे पर भी विचार कर सकती है। टिकट तो बदल चुका है द्रंग में भाजपा का, तो थोड़ा सा आंकलन तो बता दीजिए कि मौजूदा जो विधायक हैं जवाहर ठाकुर, उनके कामों का आंकलन कैसे करेंगे आप? 5 साल तक उन्होंने यहाँ पर यहाँ का प्रतिनिधित्व किया है। ऐसा है, जवाहर ठाकुर जी भी मेरे साथ ही रहे और मैंने उनको ट्रेनिंग दी है राजनीति की। जवाहरलाल ठाकुर ठीक है, पिछले 5 साल बेचारा दौड़ धूप तो करता रहा, लेकिन जयराम ने उनका साथ नहीं दिया, मुख्यमंत्री ने उनका सहयोग नहीं दिया। उनके क्षेत्र से जो है जो विकास का पैसा था वो भी अपने चुनाव क्षेत्र सराज ले गए, यहाँ के दफ्तर जो है सराज ले गए। तो इसलिए जवाहर ठाकुर को जयराम जी का समर्थन नहीं मिला, अपने आप तो दौड़ धूप करते रहे जब तक मुख्यमंत्री का समर्थन ना हो। मुख्यमंत्री अंदर से जो है सिर्फ सिर्फ पूर्णचंद का समर्थन, पूर्णचंद के कहने पे काम करते थे, पूर्णचंद के कहने पे ट्रांसफरिंग करते थे, पूर्णचंद के कहने पे किसी को पैसा मेडिकल इन्वेस्टमेंट की बात करते थे। जवाहरलाल ठाकुर जो है उन्होंने अपने विधायक के तौर में कभी जयराम ने उनको माना ही नहीं, तो इसलिए जवाहर ठाकुर क्या कर सकता था। चलिए, आपने व्यस्तम समय से हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थी द्रंग विधानसभा क्षेत्र की ग्राउंड रिपोर्ट कसौटी पर नेताजी। अब यहाँ से कौन नेता द्रंग विधानसभा क्षेत्र की जनता की कसौटी पर खरा उतरता है, इसका पता आने वाली 12 नवंबर को ही चल पाएगा, जब मतदान के माध्यम से यहाँ के मतदाता अपने भावी प्रतिनिधि का चयन करेंगे और 8 दिसंबर को उसके परिणाम आएंगे। अभी के लिए इतना ही। न्यूज 18 हिमाचल के लिए मंडी से वीरेंद्र भारद्वाज। Channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम महकती सुबह और मैं हूं आपका होस्ट वहीद जिलानी। जैसा कि आपको मालूम है कि हर सुबह एक ख़ास मेहमान से आपकी मुलाकात कराते हैं, और आज हम बेहद खुश हैं एक बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और उससे बढ़कर बहुत ही पुरखलूस इंसान हमारे वादी कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं। मेरी मुराद है जनाब ज़मीर अशाही साहब। ज़मीर अशाही साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत इस प्रोग्राम में। जनाब बहुत बहुत शुक्रिया। मैं माफ़ी चाहूँगा
कई दिनों से मैं आपसे वादा करता रहा कि मैं आऊँगा। जी जी, मेरी तबीयत ख़राब थी, उस वजह से मैं नहीं आ पाया। आज मुझे इस बात की खुशी है कि तबीयत थोड़ी सी बेटर है जी, तो शायद आज मैं कुछ बोल पाऊँ और आप लोगों के साथ बातचीत। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी पूरी टीम की तरफ से। ये हमारा ब्रेकफास्ट शो जो होता है, हम अपने जो हर फील्ड में जो लोग हैं जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन है, जिनने बहुत लंबा कैरियर गुजारा है, जिनकी सर्विसेज हैं, उनके कॉन्ट्रीब्यूशन पे, उनकी शख्सियत पे बात करते हैं। एक न्यूज़ 18 नेटवर्क का एक इनिशिएटिव है, खासकर जम्मू कश्मीर के फनकारों के लिए या किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं तो उनसे बात करते हैं और उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानते हैं। जी जी, तो जो इस प्रोग्राम का फॉर्मेट है, सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपने बचपन और जवानी को कैसे याद करेंगे इस प्रोग्राम में? हाँ, बचपन की याद आपने दिलाई तो हमें भी बचपन याद आ गया। और बचपन हमारा जो है, जब मैं बिल्कुल छोटा था जी, हम लोग अशाई कोचा जो है फतेह गदल में रहते जी, और शुरुआत वहीं से हुई। लेकिन कुछ ही साल मैं रहा, मैं बहुत ही छोटा था, तो हमने शिफ्ट किया वहाँ से बागात बरजला जी, तो वालद मोहतरम वहाँ गए, तो उन्हीं दिन उन्होंने ख़रीदा था वहाँ पे मकान वगैरह और हम लोग शिफ्ट हो गए जी। और फिर मेरी तालीम जो है पहले गवर्नमेंट हाई स्कूल बरजला में हुई, फिर उसके बाद मुझे उन्होंने कहा कि लड़का अच्छा है, शायद ये कुछ बनेगा कल को तो उसको अच्छे स्कूल का मैं दाखिला कर दो, तो मुझे वहाँ ले गए थे। फिर DAV हायर सेकेंडरी स्कूल उसका नाम था उन दिनों, तो DAV हायर सेकेंडरी स्कूल में जब गया तो ख्याल ये था कि अब मैं कॉलेज भी देखूँगा और इधर भी जाऊँगा उधर भी जाऊँगा, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, हम अपनी तालीम जो है अधूरी छोड़ के जी कुछ और ही करने लगे, कुछ खराफात करने लगे। सर, मैं जैसा कि हमें सबको मालूम है, हमारे देखने वाले भी ये जानते हैं कि आप हमारे कश्मीर, जम्मू कश्मीर के एक बहुत बड़ा नाम है, आप बहुत लंबा कैरियर है आपका एक्टिंग फील्ड में, टेलीविजन से, फिल्मों से जुड़े हैं आप। आपकी फैमिली में एक्टिंग वगैरह का कोई माहौल ना होते हुए भी आप इस राह पे चल पड़े, तो किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको शुरुआती दौर में? कहते ना, वो ज़माना भी क्या ज़माना था, वो ज़माना ही अजीब गरीब था। मुझे याद है जब मैं घर में होता था तो मैं आईने के सामने खड़ा होकर खराफात करता था फिल्में देखता था, दिल में कि शौक था कुछ अंदर से कि मुझे एक्टर बनना है जी। तो वालद मोहतरम को हमने ये कहा नहीं, हमने कहा अगर हम उनसे ये कहें कि हमें शौक है जी टेलीविज़न में एक्टिंग करने का, तो ज़ाहिर है हमें घर भी नहीं मिलेगा, हमें घर से बाहर निकालेंगे। तो उसके बाद क्या हुआ, तो खराफात में ऐसे ही करता था कि कोई फिल्म देखता था, शाम को जाके आईने के सामने खड़ा होता था जी, तो उस अदाकार को देख के फिर उसकी नकल करने लगता था। तो इसी में आप कहिए कि गलती से या कुछ भी करके 8-10-15 एक्टर्स की मैंने कॉपी करना सीख ली, तो मैंने कहा एक प्रोग्राम भी बन सकता है कभी भी अगर मुझे मौका मिला जी, मैं कहीं स्टेज पर या कहीं जाके उनसे कहूँ कि साहब मैं मिमिक्री कर सकता हूँ, एक नई चीज़ है। तो वही हुआ जो मैंने सोचा था, बिल्कुल वही हुआ। मैं टेलीविज़न चला गया, मैंने उनसे कहा कि साहब मुझे ड्रामा करना था, मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा उसके लिए भाई ऑडिशन वाडिशन देना होता है, ऐसे नहीं होता, आप फॉर्म भरिए जी, आपको बुलाया जाएगा टेस्ट के लिए, फिर आपको किस ग्रेड में हम रखेंगे, आप अभी नए हैं, अभी कह नहीं सकते आपके टैलेंट के बारे में। मैंने कहा ये लंबा चौड़ा चक्कर है, मैंने कहा सर फिर नौजवानों के प्रोग्राम, कहा आप ऐसा करिए उस कमरे में जाइए, वहाँ प्रोड्यूसर साहब हैं वहाँ बैठे हुए जी, वो आपको यूथ प्रोग्राम में कुछ ना कुछ ज़रूर देंगे, आप उनको अपनी सलाहियत के बारे में बताएं कि आप क्या कर सकते हैं। क्या आप फैमिली को कहे बगैर गए थे? बिल्कुल कहे बगैर। अच्छा, हाँ। तो उसके बाद मैं जब गया तो वहाँ मुझे प्रोड्यूसर साहब मिले, तो उन्होंने कहा बेटा बोलो। मैंने कहा सर कहूँ मैं जो मुझे कहना है? उन्होंने कहा हाँ कहो कहो, इसमें क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा सर मैं अदाकारों की नकल करता हूँ। अदाकारों की नकल मतलब? मैंने कहा सर मैं मिमिक्री करता हूँ फिल्म एक्टर्स की। किस किस की करते हैं? मैंने कहा सर दिलीप कुमार की करता हूँ, राजेश खन्ना की करता हूँ, देवानंद की करता हूँ, ओम प्रकाश की करता हूँ, बड़े एक्टर्स का नाम मैंने जब लिया तो उसने कहा दिखाओ। तो मैंने एक्ट करके दिखाया, वो बड़े मुतासर हुए। प्रोडक्शन असिस्टेंट को कहा भाई जल्दी से इनका नाम लिखो, परसों इसका आइटम रिकॉर्ड करो। तो मैं खुश हो गया, इनक्रेज हो गया। मैं जो सोच के आया था कि मैं अंदर जाऊँगा प्रोड्यूसर से मिलूँगा, क्या पता वहाँ से क्या जवाब मिलेगा, लेकिन हुआ इसके बरक्स। मैं गया, उन्होंने फटाक से कहा कि मुझे आप सैटरडे को आइए, सैटरडे को 10 बजे आपकी रिकॉर्डिंग होगी। तो मैं फूले नहीं समाया, अब मैं सोचता हूँ घर में बोलूँ नहीं बोलूँ। मैंने कहा नहीं, अगर बोलेंगे तो मामला जो सारा है बना बना वो ख़राब हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, अच्छा है कि अभी खामोशी रहो, देखते हैं आगे आगे क्या होता है। उसके बाद मैंने वो प्रोग्राम किया, रिकॉर्ड जब हो गया तो प्रोड्यूसर ने कहा
यार बहुत एक नया आइटम है हमारे श्रीनगर में। मैंने कहा जी बहुत बहुत शुक्रिया। वो तो अब आदत ही पड़ गई, मैं फिर गया 15-20 दिन के बाद, वो प्रोग्राम टेलीकास्ट हुआ, लोगों को अच्छा लगा, मैं फिर गया। कहा हाँ बेटा बहुत अच्छा प्रोग्राम था, अब कुछ और आइटम लेके आए हो? मैंने कहा सर मैं एक गाना वाना गा लूँ। कहा आप गा भी लेते हो? बेसिकली क्या होता है, बचपना ही होता है, पता नहीं होता कि ट्रैक कौन सा पकड़ लें, किसमें हम सही कर सकते हैं, गलत कर सकते हैं। मैंने कहा हाँ सर मैं गाना गा सकता हूँ। कहा जरा सुनाओ। तो दादा साहब की गजल थी, तो बिना दादा साहब से पूछे मैंने सर दो लाइनें उस गजल की हो जाए। जरूर दूर खुदा गवाचू कंजंत बालन में पान छो, जरूर दूर खुदाई बुजिन से आई हुर नहीं नजर से मेनी ऑडिशन भी दिया है और अप्रूव लेटर भी मुझे मिली। एक बार मैंने गजल भी गाई वहां पे, अप्रूव लेटर के बाद तीन ट्रायल्स वगैरह थी और फर्स्ट ट्रायल में ही उन्होंने कहा नहीं आप अच्छा गा सकते हो, आप जाया करो उसमें म्यूजिक जो रूम है वहाँ पे जाया करो उनके साथ, तबला वबला उसमें थोड़ा सा रिदम आ जाएगा, बाकी सब आवाज़ अच्छी है, ये सब अच्छा है। मैंने कहा नहीं यार ये मेरे बस का रोग नहीं है, मैं नहीं कर सकता। लेकिन सर ये ताजुब है वाकई में कि आपकी आवाज इतनी सुंदर है, आप क्यों नहीं थी ये तो नहीं कह सकते, अभी भी आप बहुत माशाल्लाह अच्छा गाते हैं, मैं समझ सकता हूँ। तो लेकिन ये ऊपर वाले का सब डिजाइंड होता है किसको कहाँ जाना है, लेकिन आवाज बहुत आपकी खूबसूरत है इस गाने के लिए, बहुत आपका कहना आपकी आवाज अच्छी है तो इसलिए मैंने फरमाइश भी की। जरी साहब अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रोफेशनली आपका करियर जो है एक्टिंग का कहाँ से और कब शुरू हुआ? मैं जैसे जिक्र कर रहा था ना ये प्रोग्राम का मिमिक्री वगैरह का, ये मिमिक्री जो है मिस्टर फारूक नाज़की साहब थे वहाँ टेलीविजन में, तो खुशकिस्मती कही है उन्होंने उस प्रोग्राम को देखा था, तो मुझे दूसरे दिन टेलीविजन जाते हुए देखा तो उसने मुझे यूं कहा इधर आओ, सुई उसका रहा तुम बोल कर नहीं अच्छा आप वो जो मुख्तलिफ किस्म की बोलियाँ करते थे वो आप ही थे? मैंने कहा जी जी। आपका नाम क्या है? मैंने कहा जी इस तरह आप मुझसे मिलो, मेरा रूम नंबर है 34 या कुछ, उधर आ जाओ मुझसे मिलो, मुझे तुमसे बात करनी है। तो मैं वहाँ चला गया, तो उन्होंने कहा कि मैं कहीं गया हुआ था किसी कंट्री का नाम लिया उन्होंने, हम ट्रेनिंग के लिए गए थे टेलीविजन से कुछ ही लोग, उसमें मैं भी था। वहाँ एक सीरियल में कहानी चलती है, अच्छा। सीरियल का जो कॉन्सेप्ट तब था ही नहीं, तक नहीं था कहीं नहीं था, यहाँ तीन सिटेशन थे बॉम्बे दिल्ली और श्रीनगर में, लेकिन सीरियल किसी ने नहीं किया था। अब नाज़की साहब पहल करना चाहते थे, सीरियल बनाना चाहते थे, तो एक फारूक साहब हैं हमारे मसूदी साहब जी, उन्होंने सीरियल लिखा, तो सिक्रपुर उनके पास आ चुकी थी, तो उन्होंने कहा कि जमीन जरा ये डायलॉग पर बस कुछ डायलॉग। मैं पढ़ने लगा तो मुझसे पढ़ा ही नहीं गया। मैंने कहा सर ये क्या है? कहा आप कहाँ के हो? मैंने कहा सर मैं कश्मीरी का हूँ। अच्छा वो कश्मीरी कश्मीरी लैंग्वेज है? मैंने कहा सर मैंने आज तक ये सिक्रिप्ट पढ़ा ही नहीं, ऐसा सिक्रिप्ट कश्मीरी तो मैं मुझे पता भी नहीं है कश्मीरी लिखी जाती है जी, उस 76 की बात में कर रहा हूँ, 75-76। तो वो परेशान हो गए, कहने लगा कब परसों का प्रोग्राम देख के मुझे लगा कि मैं इसमें डायरेक्ट आपको हीरो लूँगा। मैंने कहा सर आप मुझे 2-4 दिन दीजिए सिक्रिप अगर आप दे सकते मैं सीख लूँगा, मैं 2-4 दिन में सीख लूँगा इंशाल्लाह, मैं कोशिश करूँगा। तो मैं हमारे एक दोस्त थे वो कश्मीरी बहुत अच्छी लिखते थे, रफीक हमराज वगैरह ये रफीक राज ये सब, तो मैं सबके पास गया। मैंने कहा सर ये पढ़ो यार हीरो का चांस मिल रहा है, इससे बड़ा चांस कभी नहीं मिलेगा, ऐसा करो मुझे सिखाओ। तो हम कहीं गए, मैंने कहा मैं 2 रुपये के पकौड़े लाता हूँ, अखबार मुझे अभी भी याद है अखबार के कागज़ में हमने पकोड़े लिए 2 रुपये या 3 रुपये के, और आप सीखना शुरू किया और पार्क में बैठे उन्होंने मुझे बताया ये डायलॉग ऐसे है ये ऐसे बोलता है ऐसे बोलता। मैंने कहा अच्छा ये है, तो फिर मैं एक दो बार पढ़ने लगा तो मुझे जहन में था किसने क्या कहा। रात को मैं गया और बिस्तर में बैठ के अब मैं सोया नहीं, मैं इसी सिक्रिप को पढ़ रहा हूँ। उसके बाद दूसरे दिन मैं गया नाज़की साहब के पास, बोला हाँ बेटा क्या किया आपने? मैंने कहा सर आप देख लीजिए ज़रा बोलो ये वाला डायलॉग बोलो। मैंने कहा सर ये तो ऐसे है इसमें क्या है, मैं क्या करूँ मैंने की कर। फिर उसने दूसरा डायलॉग पूछा, मैंने वो भी बोल दिया, तकदीर सही थी। तो नाज़की साहब ने कहा नहीं आप ही कर आप ही हीरो का रोल करेंगे। कौन सा सीरियल था? इट वॉज अलाव 76। तो उसके बाद माशाल्लाह नाज़की साहब ने फिर जितने भी प्रोग्राम्स किए और भी सीरियल्स किए मुझे हमेशा
याद किया, हमेशा मुझे लिया। मैं एक बार दिल्ली में था, उन्होंने कहा मुझे सीरियल शुरू करना है, ज़मीर के बगैर मैं शुरू कर ही नहीं सकता। एक कमज़ोरी सी होती है ना कभी डायरेक्टर को कि एक अच्छा एक्टर है, बड़ा कॉपरेटिव है। मैं इतना अच्छा एक्टर तो नहीं हूँ, मगर हर मामले में बहुत कॉपरेटिव रहा हूँ शुरू से ही। तो नाजकी साहब को मेरा बिहेवियर बड़ा अच्छा लगता था, बोलने का अंदाज़ अच्छा लगता था, और ये भी अच्छा लगता था शाहशुक बड़ा असर करें, यू आर वेरी नेचुरल एक्टर। तो शुक्र अल्लाह का, और कामयाबी की बहुत सारी वजूहत हैं। जब मैं गया था वहाँ सारे रेडियो और स्टेज के आर्टिस्ट थे मेरे साथ, तो मेरे ही दोस्त जो मेरे सीनियर हैं वो रेडियो अंदाज में बात करते थे। मुझे थोड़ा सा कुछ अजीब सा लगता था ये रेडियो अंदाज में डायलाग बोलना। एक तो होता है कि विजय तुम कैसे हो यार, घर गए थे, नॉर्मल है, चलो ठीक है। विजय तुम उसके घर गए थे? हाँ। क्यों गए थे? तुम्हारे पास रीज़न क्या था? मैंने कहा ये गलत नहीं कर रहा है, मैं सही कर रहा हूँ, ये कर रहे हैं। तो फिर नाजकी साहब ने कहा देखो बेटा जो तुम कर रहे हो मुझे यही चाहिए, बिल्कुल लगना चाहिए कि आप नेचुरल हो, कोई इसमें बनावट नहीं होनी चाहिए अदाकारी में। तो शुक्र अल्लाह का शुरुआत अच्छी हुई है, उसके बाद कई सीरियल्स के बाद आपने पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह फिर इतना ज्यादा किया जी, मुझे एक बार लगा कि मुझे अब आराम करना चाहिए। मुझे याद है एक बहुत लंबा सीरियल जा रहा था, काफी 32 एपिसोड्स, मैं तंग आ गया बार बार वो करते हुए। बड़ा अच्छा सा रोल था उसमें, यूपी का एक करेक्टर था वो पान खाता है, और मैंने उस पर भी बड़ी मेहनत की उस करेक्टर पर, और इतना अच्छा रोल हुआ वो अल्लाह के फजल करम से कि वहाँ लेटर इनको आ गया श्रीनगर दूरदर्शन में कि ये जो अदाकार है ये कौन है। मैं क्यों ज़बरदस्त था, निसार बगामी साहब ने शायद किया था, तो ये कौन लड़का है भाई, यूपी से मंगाया है इसको, ये कहाँ का लड़का है? यानी तकदीर अच्छी थी, तलफ़्फ़ुज़ आपका बहुत अच्छा था। जब तकदीर अच्छी होती है तो जो भी आप काम करते हैं सब सही हो जाता है। यहाँ एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, ब्रेक के उस पर आपसे फिर मुलाकात करते हैं। जरूर जरूर। तो नाजरीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम महकती सुबह, एक ब्रेक के बाद ज़मीर रशाई साहब से गुफ्तगू जारी। Channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. आपका एक बार फिर से स्वागत है प्रोग्राम महकती सुबह में। आज हमारे खास मेहमान हैं जम्मू कश्मीर के एक बहुत बड़ी हस्ती, एक बहुत बड़ी शख्सियत ज़मीर रशाई साहब, एक सीनियर
एक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं। जमीर साहब, आप बहुत सुनहरी दौर के बाद या सुनहरी दौर के दौरान अपने करियर के आप मुंबई चले गए। जी जी, वहाँ का क्या सीन रहा? वहाँ आपको स्ट्रगल करना पड़ा, वहाँ आपको काम मिला, या वो कौन सी चीज़ थी जो फिर आपको वापस खींच लाई कश्मीर? देखिए, मुंबई नगरी तो जहन में थी। ये जब एक अदाकार कुछ करता है 5-8 साल या 6 साल और नाम उसका बनता है जी, लोग तारीफ भी करते हैं। इवन हमारे डायरेक्टर्स बहुत सारे रहे, गरीवाल साहब, क्या नाम था उनका, दूसरे हमारे शायर जमान थे वो हमारे, तो 2-3 डायरेक्टर्स थे जो मुझे कहते थे कि जमीर, दिस इज़ नॉट योर प्लेस, यू नो, आप बम्बई जाओ, थोड़ी ट्राई वाई मारो, आपका हो जाएगा जी। तो मैं भी गलतफहमी का शिकार हो गया। मैंने कहा चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं, लेकिन वहाँ मुझे दाएं बाएं जाके कुछ लगा कि नहीं, यहाँ कुछ बनने वाला है ही नहीं, तो फिर मैं वापस आया था। फिर उसके बाद तारिक जावेद साहब हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं जी, उन्होंने कहा कि यार हमें एक रास्ता मिल गया, हम डायरेक्ट प्रकाश मेहरा से मिल सकते हैं। उसका मैंने रास्ता निकाला है जी, कहीं से किसी ने फ़ोन किया है, किसी को रिकमेंडेशन है, तो आप आ जाओ, थोड़ा सा मुझे दिखाओ यार कहाँ कहाँ जाना है, मुझे मुंबई के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। उन्होंने इस वो भी आए थे हमारे इस प्रोग्राम में और उन्होंने इसका जिक्र किया कि जमीर साहब मुंबई जाने में भी सीनियर है मुझसे। हाँ, जाहिर है, मैं उनसे पहले गया था, मैं उनको कहा मुझे स्टूडियोज भी पता है, ऑफिसेज पता है, मैं आपको लेके जा सकता हूँ, लेकिन मुझे अब शौक नहीं रहा एक्टिंग का। तो हम PMP चले गए और हमें दोनों को, उन्हीं दिनों एक फिल्म बनने वाली थी लावारिस, अमिताभ बच्चन और रंजीत वगैरह थे उसमें। तो फिर लास्ट में जब तारीख का उन्होंने फाइनल कर दिया, उसको कहा कि आप आ जाओ, हम रंजीत के साथ आपका रोल लिखवाएंगे, आपको सेकंड ट्रैक में रखेंगे रंजीत के साथ साथ। तो फिर बाय द वे बात चली, दूसरे दिन भी नहीं, तीसरे दिन भी नहीं, उसने कहा तारिक साहब ने, आपने क्यों नहीं कहा मैं अभी एक्टर हूँ? मैंने कहा यार अब मैं आया हूँ यहाँ पे, अच्छा नहीं लगता, मैं आपके साथ आपका रास्ता दिखाने के लिए आया हूँ, मैं अपने बारे में बात नहीं करूँगा। फिर तीसरे चौथे दिन एक मीटिंग हुई थी, तारिक साहब ने उनको कह दिया कि जमीर साहब इज़ ऑल्सो अ वेरी लीडिंग एक्टर ऑफ कश्मीर एंड ऑल दैट, लेकिन ये बड़े सॉफ्ट रोल्स करते हैं, मैं बिलनिश करता हूँ ये सब। तो उन्होंने कहा अच्छा, थोड़ा सा बताएं कुछ करके, वो सब कहा वेरी गुड, उन्होंने ठीक है तारिक साहब, उसको भी लेंगे, अच्छा उसको अमिताभ बच्चन के साथ जोड़ देंगे, कहानी अभी लिख ही रहे हैं, एक ट्रैक इनको दे देंगे, लेकिन इनको डायलॉग्स ज़्यादा नहीं मिलेंगे जी, अमिताभ बच्चन के साथ साथ रहेंगे। मैंने कहा सर मेरे लिए बहुत है, अगर अमिताभ बच्चन के साथ मुझे एक्सपोजर मिलेगा तो जाहिर है मुझे भी 10 लोग पहचान जाएंगे। तो सिलसिला शुरू हुआ, फिर यहाँ पर शूटिंग शुरू हुई, कश्मीर आ गए वो, उन्होंने तारिक साहब को कहा कश्मीरी आते हैं शूटिंग करने के लिए, हम अच्छी ये लोकेशन हैं। तो पहलगाम में आके थोड़ा सा मसला हो गया जी, वो मसला बड़ा जिंदगी का सबसे अजीब सा मसला था जो मैं अब इस बयान नहीं कर सकता हूँ। तो उसमें कई कारण हैं जी, मैं सेट पे ही था, शुरुआत मेरे से ही हुई थी पहलगाम में, अमिताभ बच्चन और मेरे से जो फर्स्ट सीन उनका था पहलगाम में, तो उसमें एक अजीब सा, मैं दोस्तों का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कुछ खैर खाओं का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जिसकी वजह से शायद मुझे लगता है शायद वो मेरी तकदीर में नहीं था, इसीलिए वो सब हो गया, अदरवाइज नहीं होता। तो उसी दिन आई वॉज टोल्ड टू लीव द सेट, ओके, कुछ ऐसी बात हुई वहाँ पे जो मैं बयान नहीं करना चाहता। तो फिर मैच्योर नहीं हुआ वो, मैच्योर नहीं हुआ। तो फिर आपने कंटिन्यू किया श्रीनगर में काम करना? नहीं, फिर तो मैं वापस आ गया, तारिक साहब ने माना नहीं, उसने कहा मैं स्ट्रगल करूंगा। जी जी, वो बहुत साल रखे वहाँ, फिर वो काफी साल रहे वहाँ पे, उन्होंने काफी मुंबई टेलीविजन में भी काम किया, फिर और भी कहीं काम करते रहे। तारिक साहब के क्या कहने, माशाल्लाह वो तो बहुत ही मंझे हुए एक्टर है हमारे। और जब टेलीविजन में जब मैंने पहला प्रोग्राम किया तो मेरे ब्रदर का रोल करते थे उसमें, छोटे भाई का, तो फरगनाज के ने उसको कहा जमीर शाही आपके बड़े भाई का रोल करेंगे, तो उन्होंने बड़ा हाथ वाथ मिलाया, मुझे तारिक जावेद कहते हैं जी, जी। आप फिक्र मत करिए मैं यहाँ हूँ जी। उनका अपना एक स्टाइल है, मज़ेदार स्टाइल एक है तारिक साहब। जमीर साहब, आपके करियर के दौरान आपने कभी इस बात पे गौर नहीं किया कि आपको एक सिक्योर जॉब चाहिए, जो हर एक का होता है कि कोई नौकरी करूँ तो फिर अपना घर चलाने के लिए, या आपको एक्टिंग में इतना आप मशगूल हो गए कि आप कोई और नौकरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी? नहीं नहीं, मेरे वालिद मोहतरम जो हैं वो चाहते थे कि मैं सरकारी नौकरी करूं जी, क्योंकि वालिद मोहतरम जो हमारे थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो अच्छे ऑफिसर थे, एक्साइज टैक्सेशन ऑफिसर थे, और उनके जहन में शुरू से ही था, इसीलिए मुझे इस लाइन में आने के लिए वो इनक्रेज नहीं करते थे। वो हमेशा कहते थे कि नहीं ठीक है आपने आप लाइन अपनाइए, मगर मेरे हिसाब से गलत है ये, कल को आप बूढ़े हो जाओगे, कल आप बूढ़े हो जाएंगे, आप कि आपका चेहरा ख़राब हो जाएगा, फिर टेलीविज़न वाले आपको कैसे लेंगे, उसका भी सोच के रखो। तो मैंने कहा सर अल्लाह मालिक है, जब उसने मुझे यहाँ घुसा दिया, नाम भी दिया, इज्जत भी दी,
तो ज़ाहिर है कुछ ना कुछ वो रास्ता इसके लिए भी निकालेंगे। तो मैं गलत साबित हुआ, वालद मोहतरम सही साबित हुए, क्योंकि फिर ज़िंदगी के आयाम जो होते हैं इसमें इंसान चाहता है कि थोड़ा सा आराम करें, कुछ ऐसा काम हो जहाँ ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े और थोड़ा सा दस पैसे भी आ जाएँ, जो हमारे लिए एक्टर्स के लिए मुमकिन नहीं है। इस एज में भी हमें भागना पड़ता है। मैं अभी दिल्ली में था, मैं बच्चों के साथ आजकल दिल्ली में हूँ जी जी, तो मुझे वहाँ से आना पड़ा। यहाँ शूटिंग थी एक वेब सीरीज़ की जी, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया था, पहले ऑडिशन किया था, उन्होंने कहा साहब आप इस रोल के लिए सिलेक्ट हुए हैं। तो फिर मैंने इनकार किया था, मैं दिल्ली में हूँ, शायद आ नहीं पाऊँगा। कहा नहीं, ज़रीना वहाब जी आपके साथ हैं, वो आपके बेगम का रोल कर रही हैं इसमें। तो मैंने कहा कि ज़रीना वहाब है तो मैं ज़रूर आऊँगा, उसके तजुर्बा जो है उसके साथ मज़ा भी आएगा काम करने में, हमें भी लगेगा कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। तो शी वॉज़ वेरी कोऑपरेटिव ज्यूरिंग शूटिंग डेज, और बहुत ही ज़्यादा इज्जत भी करती थी। और ज़रीना से लोग जब मिलने आते थे वो कहते थे नहीं नहीं इनसे भी मिलो, ज़मीर ये बहुत अच्छे एक्टर हैं, यहाँ के बड़े सीनियर हैं। तो मेरे साथ काफ़ी उन्होंने शेयर किया, बचपन की तस्वीरें दिखाई और वो सब दिखाया कि किस तरह से हमने शुरुआत करी है। जबी साहब, हमारी सरकार जम्मू कश्मीर सरकार जो है पिछले कुछ साल से बहुत काम कर रही है हमारे कल्चर को बढ़ावा देने के लिए, कल्चरल एक्टिविटीज़ का एक रिवाइवल चल रहा है। उसी सिलसिले में हमारे जम्मू कश्मीर डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन की तरफ से एक इनिशिएटिव था कश्मीर बीट्स के नाम से, अभी एलजी साहब ने उसको लॉन्च किया जी। तो हमारे यूथ और सीनियर आर्टिस्ट जो सिंगर्स हैं बड़े बड़े, उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया, तो उन्हीं की एक प्रोडक्शन है, एक गाना है इस प्रोग्राम में चलाएंगे, आपके लिए तोहफा है। तो ये गाना इसके बाद आपसे गुफ्तगू जरूर 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 प्लीज। फुल हम पतने प्यारे दिल घूमता है वलो, फुल हम पतने प्यारे दिल घूमता है वलो। फुल हम पतने प्यारे दिल घूमतार बलो, फुल हम पतने प्यारे दिल घूमतार बलो, दिल घूमतार बलो, दिल घूमतार बलो। फुल हम पतने प्यारे दिल घूमतार वलो, दिल घूमतार वलो, दिल घूमतार वलो। साकी भी दुकानस जाना, साकी भी दुकानस मई बगरा जानस, मई बगरा जानस, कंथा शाह सुल्तानस मन चेतार वलो, फुल हम पतने प्यारे दिल घूमतार वलो, दिल घूमतार वलो, दिल घूमतार वलो। मारो चोनम्मा कुन किंग हर ना दीदार, मारो चोनम्मा कुन किंग हर ना हारी ना देदार, पोपट
यहाँ एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, ब्रेक के उस पर आपसे फिर मुलाकात करते हैं। जरूर, जरूर। तो नाजरीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम महकती सुबू, एक ब्रेक के बाद जमीर अशाही साहब से गुफ्तगू जारी। कावन बेश कीमती जड़ी बूटियों से युक्त कश्मीरी केसर युक्त channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. एक बार फिर से स्वागत है प्रोग्राम महकती सुबू में। आज हमारी मुअज्जज शख्सियत जो इस प्रोग्राम में है, बहुत ही काबिल कदर शख्सियत जमीर अशाही साहब, बहुत ही सीनियर एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर हैं। जमीर साहब, एक्टिंग का एक लंबा और सुनहरी दौर के बाद या उसके दौरान ही आप फिर एक मेकर भी बने। आपने बड़े सीरियल्स वगैरह, ड्रामे वगैरह जो प्रोड्यूस किए, डायरेक्ट किए दूरदर्शन के लिए या बाकी चैनल्स के लिए, तो उस बारे में बताइए कि वो कैसे हुआ और उसमें उस दौरान आपने कौन से अच्छे सीरियल्स बनाए, प्रोड्यूस किए दूरदर्शन के लिए। देखिए, जब ये मौका हमें मिला वहीद साहब प्रोड्यूसर बनने का, जी वो कहते हैं ना, बचपन में खुशी से फूले ही नहीं समाया। हमने कहा नहीं, एक अच्छा काम मिला, पैसे भी मिलेंगे, कुछ कमाएंगे भी, तो हमें अच्छा लगा और प्रपोजल्स हम भरते रहे। कुछ प्रपोजल्स वहाँ अप्रूव भी हो गए, कुछ अच्छी कहानियाँ भी हमने की। लेकिन जहाँ तक प्रोडक्शंस का ताल्लुक है, जी मुझे जो अब लग रहा है कि शायद मैं इतना अच्छा प्रोड्यूसर साबित नहीं हो सका। अच्छा। और फिर एज डायरेक्टर मुझे कहा गया कि जमीर साहब आप खुद ही ये डायरेक्ट करिए। मैं कुछ 2-3 सीन्स करके सोचता था कि नहीं, किसी और को हम चांस दे देंगे। अच्छा। अब हम उस स्टेज पे हैं, अब मुझसे होगा भी नहीं आगे। फिर मेरे असिस्टेंट वगैरह, चीफ असिस्टेंट वगैरह, उनसे मैं कहता था कि ये सीन ऐसे ऐसे कर लो, वो करते थे। तो लेकिन जाहिर है कि मेरी प्रोडक्शंस उस हिसाब से कामयाब नहीं है। शायद उसमें यही हुआ कि मैंने ज़्यादा उस पर कंसंट्रेट नहीं किया, क्योंकि पैशन तो एक्टिंग की तरफ था। जी। और सबसे पहले जब सीक्रेट अपना प्रोडक्शन आता था, मैं सबसे पहले देखता कि इसमें अच्छा रोल कौन सा है। तो न जाने क्यों मेरे जहन में आता था कि ये यार, ये अंग्रेज़ वाला रोल है, इसके लिए एक एक्टर चाहिए, यहाँ शायद मिलेगा नहीं। जी। मेरे जहन में होता था, मैं 2-3 लोगों से पूछता था कि आप ये कर सकते हो, कहते ना नहीं हम नहीं कर सकते। तो फिर अल्टीमेटली मैं सोचता था कि मैं खुद ही करूँगा। तो फिर प्रोडक्शन में, अपनी ही प्रोडक्शन में खुद रोल भी करना, फिर डायरेक्शन तो पॉसिबल था ही नहीं। ज़ाहिर है कि
प्रोड्यूस करने और डायरेक्ट करने से ज्यादा आपकी शख्सियत पे जो था एक्टिंग का पहलू ज्यादा गालिब था। मैं भूत ही कहूंगा, भूत जो सवार था एक्टिंग का, उसकी वजह से मैंने अच्छी अच्छी चीजें हाथ से छोड़ दी। तो मैं अभी भी प्रेफर करता हूँ हमेशा कि मुझे अच्छा रोल मिले। आपका पहला प्यार जो है वो एक्टिंग, पहला प्यार तो मेरा एक्टिंग ही। जमीर साहब, जिंदगी के इस पड़ाव पे जी, इतना करियर, लंबा करियर गुजारने के बाद, क्या आप मुतमईन हैं अपने इस करियर से जो इस फील्ड ने आपको दिया या जो आपने काम किया? देखिए, जब मैं नजर दौड़ाता हूँ पीछे की तरफ जी, पास की तरफ, नाम मिल गया, शोहरत मिली, मैंने ऑटोग्राफ्स दिए हैं कश्मीर में बहुत सारे जी। इतना ही नहीं, एक बार जलंधर दूरदर्शन में जाहिद मंजूर साहब, यहाँ के प्रोड्यूसर, वहाँ ट्रांसफ़र हो गए थे और वहाँ एक बार मुझे उन्होंने बुलाया कि नहीं साहब, आप यहाँ के प्ले में काम करिए। तो बाकी लोग वहाँ के थे, मैं जलंधर चला गया उनके साथ, वो फिल्म करी मुझे लकीरें या क्या नाम था उस फिल्म का, मुझे याद नहीं है। मैं वहाँ गया और पंजाब में मैंने देखा कि कश्मीर से ज़्यादा लोग मुझे जानते हैं। अच्छा। वहाँ लगातार मेरे 5-6 सीरियल्स चले थे, उर्दू के जितने भी सीरियल्स यहाँ बनते थे जी, वो टेलीकास्ट होते थे पंजाब से, मुंबई से, दिल्ली स्टेशन से। वहाँ मैंने बोर्ड देखा, कालिका चला गया मैं, वो चंडीगढ़ से पहले आता, तो वहाँ मैंने अपने बोर्ड देखे, अपने नाम के बोर्ड देखे कि आज शाम को देखिए कलर सीरियल ज़मीर शाही, बहुत सितारे ज़मीर शाही वगैरह, जो हम प्लेडियम सिनेमा में उधर देखा करता था, मैंने खुद अपनी आंखों से वहाँ देखा। तो वहाँ के आर्टिस्ट जो थे वो मुझे मिलने के लिए एयरपोर्ट आ गए जी, रिसीव करने के लिए। वहाँ के जितने भी बड़े आर्टिस्ट थे उन्होंने रिसीव किया मुझे जलंधर, उधर अमृतसर एयरपोर्ट पे, कहा सर हम आप ही का इंतजार कर रहे हैं, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। फिर होटल में ले गए रात को, वहाँ दिनों कर्फ्यू होता था रात को, तो उसके बाद दूसरे दिन में स्टेशन गया और वहाँ स्टेशन भी देखा, सेक्रेटेरिएट जैसा स्टेशन, और वहाँ के एक्ट्रेस माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत, और उसके बाद उनके साथ काम करने में मुझे बहुत अच्छा लगा। उतनी इज्जत मुझे शायद कश्मीर में भी नहीं मिली है जितनी इज्जत वहाँ के अदाकारों ने मेरी की पंजाब में। मुझे कहाँ कहाँ घुमाने ले गए, वो मैं कहा सर वहाँ जाएंगे, शिमला जाएंगे, हमने वहाँ आपके लिए VIP सूट बुक किया है जी। तो उन्हीं का प्रोग्राम बनता था तो मैं वहाँ महीना भर रहा, और डायरेक्टर का भी मैं बड़ा शुक्रगुजार रहा उन दिनों, बशीर भट्ट साहब थे और भी लोग थे, वो ऐसे ही थे वहाँ, इंजीनियर रघुवीर सिंह, उन्होंने एक एम्बेसडर की गाड़ियाँ वहाँ 2-3 थी, एक मुझे अलाउड की गई जब तक मैं जलंधर में रहा। उन्होंने कहा जमीर साहब इज़ अ विजिटिंग एक्टर वगैरह जो भी है, तो इनको गाड़ी वाड़ी दीजिए, हो सकता है आज शूटिंग को कल फ्री होंगे तो ये कहीं घूमेंगे। तो वो चीज़ मैंने देखी कि अपने दूरदर्शन में मुझे वो मकाम नहीं मिला जो किसी दूसरे दूरदर्शन के किसी दूसरे स्टेशन में मिला, ये बड़ी चीज़। जमीर साहब, अभी तक आपने किन बड़ी और काबिल जिक्र शख्सियात के साथ काम किया है, किन का नाम लेना चाहेंगे आप, चाहे प्रोडक्शन हाउस हो, चाहे एक्टर्स हो, चाहे डायरेक्टर्स हो? नहीं, डायरेक्टर्स तो बहुत हैं मेरी नज़र में, अगर हम कश्मीर की बात करें, यहाँ बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं हमारे, उमर इम्तियाज़ साहब जी, मुझे उनकी डायरेक्शन अच्छी लगती है, उनका जो नज़रिया होता है वो बड़ा क्लियर होता है इस बारे में कि एक्टर को कहाँ खड़ा करना है, कौन सा एंगल देना चाहिए। हमारे यहाँ बहुत सारे हैं, होता क्या है अब ऐसे प्रोग्राम्स में जब हम किसी का नाम भूल जाते हैं फिर दूसरे दिन वो कंप्लेंट करते हैं। कोई बड़े एक्टर के साथ, चाहे नेशनल लेवल पे, चाहे लोकल लेवल पे, या फिल्मों में किन बड़े एक्टरों के साथ आपको अभी तक काम करने का मौका मिला है? नहीं, किया तो बहुत लोगों के साथ, यकीन माने आप भाई साहब, देखिए आपने कभी मुझे फेसबुक पे आपने एक्टिव नहीं देखा होगा मुझे। नहीं, मैं बहुत काम करता हूँ और उसके बाद उसकी पब्लिसिटी नहीं करता हूँ, मेरी वो शुरू से आदत रही है कि हिसाब पब्लिसिटी करने से क्या होगा। लेकिन हमारे लेकिन अभी मैं रिसेंटली कर रहा था, अभी लेटेस्ट जो मैं कर रहा हूँ, ज़रीना वहाब का मैं जिक्र ज़रूर करूँगा। ज़रीना वहाब जी मेरे साथ थी जी, अश्वत पटेल जी मेरे साथ थे, वो भी बड़े लीडिंग आर्टिस्ट थे, तो उसकी फिल्में विल्में भी आई हैं। और ज़रीना जी तो खैर शुरू से ही करती रही हैं फिल्में वगैरह वगैरह वगैरह, उसके बाद अब काफ़ी सीरियल्स वो करती हैं। उनके साथ काम करने से मुझे इस बात का एहसास हुआ जी कि कश्मीर में भी टेलीविज़न के एक्टर्स या एक्टिंग की कमी नहीं है या सलाहियत की कमी नहीं है। जब आप किसी के साथ काम करते हैं तो वहाँ थोड़ा सा पता चलता है कि नहीं, वो लोग तो माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, मुकाबला नहीं कर सकते ज़रीना वहाब का। लेकिन ज़रीना जी से मैं यही कह रहा था कि मैंने भी आपको 30-40 साल देखा है टेलीविज़न में, आपका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, तो कहा नहीं, आप भी बहुत अच्छा करते हैं और आपने, हमने सुना कि आपने वो भी किया था, ये भी किया था। मैंने कहा जी वो चलता रहता है, दैट्स पार्ट ऑफ दिस, लेकिन अच्छा लगता है इन लोगों के साथ काम करना, क्योंकि वहाँ जो उन्होंने सीखा होगा जी, हमें नज़र आता है वो कि ये क्या नई चीज़ करते हैं, हमें भी ये सब सीखना चाहिए।
और हम जैसे लोग जो गांव से आते हैं तो उनको भी लगता है कि नहीं, गांव वाले भी कुछ अलग से कोई चीज़ कर सकते हैं। जी जी, समझ गया। तो उसमें क्या, एक्टर आएंगे, बड़े बड़े डायरेक्टर आए उनके साथ काम किया, ठीक है सब, ये तो एक ही बात है। आप यहाँ काम करें, दिल्ली में काम करें, मुंबई में काम करें, फॉर्मेट सेम है, एक्टर सेम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई ज़्यादा बासलाहियत होता है, किसी के पास अदाकारी का कुछ ज़्यादा ही जुनून होता है, वो ज़्यादा अच्छा करता है। कुछ लोग अदाकारी से वाकिफ भी नहीं होते हैं, वो भी बड़े स्टार बनते हैं। ये सब कुछ तकदीर की बात है जो हम देख के आए पूरे। आपने चंद एक फिल्मों में भी काम किया है, चाहे चाहे लोकल टैलेंट ने प्रोड्यूस की है या डायरेक्टर ने बनाई है, और कहीं और भी आपको मौका मिला है, उस वो फिल्म के बारे में कुछ अगर आप शेयर करना चाहें। जी, मैंने यहाँ पे शुरू में तो एक लोकल ही जो हमारे थे हुसैन खान, उन्होंने एक फिल्म करी थी डेडी कश्मीर, तो उनके साथ किया था। फिर सरवर ने एक फिल्म बनाई बेड नंबर 17, उसमें मैंने काम भी आपने काम किया। फिर इम्तियाज अली साहब ने फिल्म बनाई लैला मजनू, लैला मजनू में मैंने काम किया। उसके बाद विधु चोपड़ा जी आए, उन्होंने फिल्म शिकारा में मुझे लिया। अभी ये जो वेब सीरीज है अरमान करके, इनका ये था कि अरमान उर्दू में होना चाहिए और उर्दू लैंग्वेज का हमने प्रमोट करना है। बेसिकली एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनना है इसके लिए कि जब मुंबई में फिल्में शुरू हुई थी तब उर्दू पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। जी जी, आजकल आहिस्ता आहिस्ता वो जो ग्राफ है उर्दू का वो कम होता जा रहा है। उसी को बढ़ावा देने के लिए, उर्दू ज़ुबान को बढ़ावा देने के लिए एक प्लेटफॉर्म बन गया है फ्लॉक एंटरटेनमेंट के नाम से। जी, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे चलाएंगे ये सब कुछ। जी, तो उर्दू के सीरियल्स हैं उनके पास 15 लाइन में। मैंने तो एक किया अभी, शायद हो सकता है कि मैं और भी कुछ सीरीज में आगे आऊँ। तो ये सब सिलसिला है, ये चलता रहता है। काम है, कहीं भी करिए, फिल्मों में करिए, उधर करिए, इधर करिए। अब हाँ ठीक है, विधु चोपड़ा जैसे डायरेक्टर के साथ आप काम करते हैं तो 10 चीज़ें आप सीख भी जाते हैं। बिल्कुल, विधु जी समझाते भी हैं, अगर ज़मीर उसको ऐसे किया जाए वो ज़्यादा बेटर नहीं है। हाँ सर, ऐसे भी किया जा सकता है। बिल्कुल, ये इसका ये शेड भी है, इसका ये शेड भी, अगर आप चाहें तो इसी शेड। नजरिए का फर्क और एक विजन बढ़ जाता है, विजन बढ़ जाता है, जाहिर है वही एक फर्क पड़ता है। बाकी सब मेरे ख्याल में 40 साल काम करने के बाद टेलीविजन से जितना भी हमने सीखा है, वहाँ भी उन दोनों बड़े ट्रेंड डायरेक्टर्स होते थे जी, सिखाने के लिए लोग आते थे। या नाजगी साहब ने मुझे उंगली पकड़ के सिखाया है कि कैसे करना है, क्या करना है, वो आज काम आता है। हमें आज कहीं दिक्कत नहीं होती है कि हमें किसी के साथ, किसी स्टार के साथ खड़ा किया जाए तो हमें प्रॉब्लम आएगा। जी, शुक्र अल्लाह का कि हमें कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं आया और नहीं आएगा। जब सब यहाँ हमारे इस प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो में बहुत मज़ा आ रहा है आपके साथ बात करने में, और आपका एक बार फिर से शुक्रिया करेंगे कि आपने तशरीफ आप लाए यहाँ पे और हमारी जीरत। अरे जनाब, सबसे बड़ी खुशी मुझे ये हुई कि वही साहब इस प्रोग्राम को कंडक्ट करते हैं, कि पहला मौका है कि एक आर्टिस्ट ही आर्टिस्ट से सवालात पूछे तो बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, ब्रेक के उस पर आपसे फिर मुलाकात करते हैं। जरूर, जरूर। तो नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम महकती सुबह। एक ब्रेक के बाद जमीर रशाई साहब से गुफ्तगू जारी। States, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers, India's largest news network, News 18 Network.
आपका एक बार फिर से स्वागत है प्रोग्राम महकती सुबह में। आज हमारे खास मेहमान हैं जम्मू कश्मीर के एक बहुत बड़ी हस्ती, एक बहुत बड़ी शख्सियत, जमीर शाही साहब। एक सीनियर एक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं। जमीर साहब, इतना लंबा करियर गुजारने के बाद ज़ाहिर है आपको बहुत सारे इनामात से, अवार्ड से नवाजा गया होगा। अगर चंदे का आप जिक्र करेंगे, आप कहाँ कहाँ आपको इज्जत अफजाई हुई, बहुत अच्छा लगता है जब वही साहब बेटर ही है। जैसे मैंने कहा ना, मैं याद नहीं रखता हूँ या कोई चीज़ में उसकी पब्लिसिटी नहीं करता हूँ। मेरी जो अलमीरा है घर में, हमारे देखने वाले उसमें बड़े पड़े हुए हैं, अवार्ड्स उसमें लगे हुए हैं, मुझे पता भी नहीं है किसने। बहुत सारे अवार्ड्स हैं शुक्र अल्लाह का, बहुत सारे हैं, लेकिन मैं याद नहीं रखता। मैंने कहा ना कि अवार्ड वगैरह का जहन में रखेंगे, मुझे अवार्ड मिला तो शायद मैं भूल जाऊंगा उसे एक अवार्ड के साथ, क्या मुझे कुछ नहीं करना है अवार्ड। कोई 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 अवार्ड ऐसा होता है कि याद रखने के लायक भी होता है, कि मतलब चाहे सरकारी लेवल पे हो या गैर सरकारी लेवल। सरकारी लेवल पे तो मुझे कोई अवार्ड नहीं मिला है। अच्छा, सबसे बड़ा अवार्ड जो मेरे लिए था, लोग मुझे पसंद करते थे, वो सबसे बड़ा अवार्ड, मुझे चाहते थे, लेटर्स आती थी, आपने लिखा है उसमें खतूत में मेरा जिक्र होता था कि आप अच्छे एक्टर हैं, ये तो मुझे तसल्ली होती थी, हौसला अफजाई होती थी और मैं आगे बढ़ता था। वही मेरा ये है सबसे बड़ा अवार्ड वगैरह। सबसे बड़े अवार्ड्स वही होते हैं एक्टर्स के लिए, सिंगर्स के लिए, किसी भी ऐसी शख्सियत के लिए जो उस फील्ड में उनको लोग उनको पसंद करें। जैसे आजकल कहते हैं कि वही साहब इज अ वेरी लीडिंग सिंगर। तो अगर आपके पास अवार्ड नहीं भी होगा, मुझे बताइए उससे क्या फर्क पड़ेगा। जी नहीं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, लोग तो पसंद करते हैं आपको, वही साहब को समझते हैं आपने। माशाल्लाह, मैं ये नहीं कह रहा आपको अवार्ड नहीं मिला, आपको तो हजारों मिले। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे बड़ा अवार्ड प्यार है लोगों का और एक्सेप्टेंस है। जब आप जाते हैं, गाते हैं तो तालियां बजती हैं, खुश होते हैं लोग, आपसे मिलने आते हैं। मेरे ख्याल में सबसे बड़ा इनाम और सबसे बड़े अवार्ड्स वही होते हैं। जमी साहब, इतने लंबे और बड़े रोल्स किए हैं आपने, बहुत सारे रोल्स किए आपने, टेलीफिल्म्स में, सीरियल्स में, फिल्मों में, इतने करेक्टर्स निभाए हैं आपने कि बेशुमार, उनका नाम अगर ले तो दो दिन उसी में चले जाए। लेकिन एक आर्टिस्ट के लिए, एक परफॉर्मिंग आर्टिस्ट के लिए कोई ना कोई चीज़ उसके दिल के करीब होती है। कौन से रोल ऐसे हैं जो आपके अभी तक आपके दिल के करीब? अक्सर आर्टिस्ट जो है, मैंने शिकायत करते उनको देखा है कि यार हम भी किसी से कम नहीं है जी, लेकिन हमें रोल नहीं मिलता है सही। लेकिन ऐसा मैं कह ही नहीं सकता हूँ। मुझे बादशाह का रोल, मुसाफिर का रोल, गरीब का रोल, ये पागल का रोल, मुझे हर तरह के रोल आज तक ज़िंदगी में मिले और मैं ये शिकायत कर ही नहीं सकता जी। अब मैंने किस रोल में कितना इंसाफ किया वो तो लोग ही ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं, लेकिन कुछ रोल है आप उनको एंजॉय करते हैं। जैसे मैंने एक रोल एंजॉय किया था, एक लखनवी का रोल था जी, तो जब मुझे वो रोल मिला, जयकिशन दुच्छी साहब कर रहे थे तो उन्होंने मुझे किरदार दिया करने को। मैंने कहा सर इसमें बड़ी मेहनत करना पड़ेगी, मुझे आप दीजिए स्क्रिप्ट, मैं इसको पढ़ूंगा। और दो तीन दिन तक आप रीडिंग भी नहीं रखी है। अच्छा, मैं रीडिंग की रोज़ ही कुछ थोड़ा सा इस पर सीख भी के आऊँगा, फिर पेश करूँगा, अगर आपको अच्छा लगा तो फिर आप उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो ऐसा ही हुआ, मैं स्क्रिप्ट ले गया, मैं पहले पान वान ले गया, मुँह में रखा पान वान, मैंने कहा कर ये डायलॉग ऐसे बोला जाए, ऐसे बोला जाए, ऐसे कर करके मैंने अपने हिसाब से उस रोल को सोचा। अब जुच्ची साहब के जहन में क्या था, मैंने कहा उनसे वही पूछेंगे जी कि सर मैं सही ट्रैक पर हूँ या गलत ट्रैक पे हूँ। जब मैं चला गया, उनको दिखाया तो उनको लगा कि नहीं यार ये तो लाजवाब है। उसके बाद मुझे खुद वो अच्छा लगा रोल, इसलिए कि उस रोल को मैंने एंजॉय किया। समझ गया मैं इतना, मुझे उस रोल से अगर एक डायलॉग आप बोलते हैं, अगर एक लाइन याद है आपको, कैसे आपने निभाया था? मुझे याद है उसके लिए तो कुछ ना कुछ तो सपोर्ट भी चाहिए, च्युइंगम वगैरह होती तो मैं शायद च्युइंगम मुंह में डाल के उस आवाज को निकालता। फिर भी थोड़ा सा एक लाइन कैसे, तो लखनवी अंदाज में उसमें ऐसा था, अरे देखिए जनाब, हाँ हाँ, अरे अरे बखुदा हम तो इतने परेशान हो गए, इतने परेशान हो गए कि हमसे अब तो कुछ कहता नहीं बनता। अरे अरे मियाँ देखिए, मैंने एक सपना देखा है बखुदा, ये देखा है कि 2022 में चावल जो है जी वो 3000 किलो बिकेगा। ये मैंने कहा, उसमें कहा है ये, वैसे मैंने 2022 का किसी सन का जिक्र किया है, वो कॉमेडी सीरियल था तो उसमें मैंने जिक्र किया था कि आजकल ये महंगाई इतनी बड़ी है कि मुझे लगता है 2022 में 1000 रुपये का 1 किलो मिलेगा चावल। उसमें है ये, अगर इनके पास रिकॉर्डिंग होती तो आप यहाँ उस रोल को देखेंगे तो आप खुद ही सोचेंगे कि मैंने कितनी मेहनत करी होगी उसमें। मैंने रिज्म पकड़ा, फिर चलना मुड़ा, बाहर का एक सीरियल चलता था उन दिनों दिल्ली से भी, उसमें भी एक नवाब एक थे
उसका भी थोड़ा सा मैंने शाम को देखा, मैंने कहा यार इसका तो बड़ा ज़बरदस्त है, इस तरह इसका ये हिलता है, लगता नहीं है नकली है, अच्छा असली है। लगता है कि डंडा लेके ये चल रहा है, कमज़ोर सा ऐसा आदमी है ऐसे कर, तो फिर उसको थोड़ा सा मैनरिज्म करके कैरेक्टर में डूब गए आप। उस मैं वैसे भी डूबता था, हर रोल में मैं डूबता था, कोशिश यही करता था कि मेरा नाम किसी तरह से हो जाए, लोग कहें कि नहीं इज़ ए गुड एक्टर। जी जी जी, ये मेरी एक कमज़ोरी थी, मैं कोशिश करता था कि हर रोल को अच्छी तरह से निभाने की। अब किस हद तक मैं कामयाब रहा हूँ कह नहीं सकता। बहुत सारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है इस फिल्म पॉलिसी को लेके जो हमारी सरकार ने इंट्रोड्यूस की, आपका क्या टेक है इस फिल्म पॉलिसी पे? आप क्या समझते हैं, क्या तरमीम या आप इस फिल्म पॉलिसी के साय के तहत कैसी तरमीम या कैसी रियायत चाहते हैं? देखिए जी, जब आपके जीके थोड़ा वजाहत देखिए, ये जो सिलसिला है शुरू किया है हमारी सरकार जी, जेके गवर्नमेंट ने जी, तो जेके गवर्नमेंट का ये फर्ज बनता है जिन्होंने भी इसको बनाया है या तश्कील दिया है, सबसे पहले उनकी नज़र होनी चाहिए यहाँ के उन लोगों पे जो मीडिया से वाबस्ता रहे हैं 30-30, 40-40 साल से, क्या इस पॉलिसी में क्या उनके लिए कुछ है। जब हमने उसको पढ़ा, बार बार पढ़ने के बाद भी हमें लगता है हम लोगों के लिए कुछ नहीं। अच्छा, अगर उसमें कोई ऐसी चीज़ होती जिससे यहाँ का आर्टिस्ट या तबका जो भी इससे जुड़ा हुआ है उनके लिए कुछ होता, तो शायद 1000 लोग कम से कम कहते कि नहीं यार ये पॉलिसी अच्छी है। मैंने एक भी आदमी को आज तक ये कहते हुए नहीं देखा है या सुना है कि साहब पॉलिसी बड़ी अच्छी है हम सब के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमें लोकल रीजनल इंडस्ट्री जो हमारी अगर बनेगी रीजनल लैंग्वेज का इंक्रेज करने के लिए जी, मेरे ख्याल में वो सबसे ज़्यादा बेहतर और उससे सबसे बड़ी बात है कि रोजगार बढ़ेगा। वैसे अलजी साहब से कहा भी है, रिक्वेस्ट भी उनसे करी है, उन्होंने कहा कि हम देखेंगे, तो अभी तक तो मुझे नहीं लगता कुछ हुआ है उसमें। तो ये तरमीम करने से यहाँ के लोकल आर्टिस्ट को, यहाँ के लोकल टेक्नीशियन को फायदा हो सकता है और रोजगार के वसाइल और दरवाजे और भी खुल सकते हैं। जाहिर है, जब टेलीविजन इंडस्ट्री हमारी बनी थी तो हमारे यहाँ कितने थे जिनके पास एडिटिंग टेबल्स थे, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने कैमरा रखे थे, स्टूडियोज थे, बाकी चीजें होती थी, एक्टिविटी चल रही थी, क्योंकि उन दोनों बल्क में काम एक चल रहा था दूरदर्शन का जी। आज से 7 साल पहले, कितने साल हो गए अब दूरदर्शन में अब कोई काम नहीं है, अब जंग लग गए हैं उनका, अब तो वो चलेंगे भी नहीं क्योंकि अब तो नया फॉर्मेट हो गया सब शुरू। यही चीज़ें होती हैं, जब कुछ बनना शुरू हो जाता है या कश्मीरी लोग इसमें इन्वॉल्व होते, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है उसके लिए। सही है, कल को इसका फायदा बॉम्बे वाले भी उठा सकते थे। सही है, उस मतलब हम वही कैमरा लाते जो उनको चाहिए फिल्म वालों को, तो वहां से जो वही लाइफ खर्चा बच जाता, उनका भी खर्चा बच जाता है, यहाँ के लोग भी उसमें इन्वॉल्व हो जाते और कश्मीरी लोगों का जो जंग लोग बिल्कुल। तो ये हमारी कोशिश तो है, हम कहते हैं लेकिन हमारे हाथ में कुछ नहीं, उम्मीद करते हैं कि एलजी साहब इन तमाम बातों पे थोड़ा सा गौर फरमाए और कुछ करें हम जैसे आर्टिस्टों के लिए। जबी साहब, आपने एक गोल्डन पीरियड देखा है यहाँ के सकाफती अदारों से जुड़ के जी, चाहे वो दूरदर्शन है, रेडियो है या कोई और अदारा है जी। आज के जो प्रेजेंट जो दौर है, आप उन सकाफती अदारों के रोल से मुतमईन हैं या उनको थोड़ा रिवाइव करने की जरूरत है? नहीं नहीं, देखिए हम शुरू से ही कहते हैं हाँ, सभी सभी सभी, देखिए दूरदर्शन का मामला तो सबके सामने ही, हम उसकी बात करेंगे, वो तो पता ही है सबको कि अब 6-7 साल से वहाँ कोई काम नहीं हो रहा, और कल्चरल एकेडमी का जो काम था जी प्रमोट करने के सिलसिले में, कल्चर को प्रमोट करने के सिलसिले में, आर्ट को प्रमोट करने के सिलसिले में, बाकी चीज़ें जो आर्ट से जुड़ी हुई जो चीज़ें, लेकिन मुझे लगता है वो भी अपनी राह जो है भटक गए। अच्छा, उनको जो करना चाहिए वो करते नहीं हैं और जो उनको नहीं करना चाहिए वो करते हैं। अब सरकार के भी इसमें कोताही में कहूँगा, क्योंकि जाहिर है अगर उनको पैसा दिया जाता है किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए, अंजाम देने के लिए, तो उसमें उनको प्रोफेशनल शुड बी इनवाइटेड। अच्छा, उसमें इन्वॉल्व उन लोगों को करिए जो काम से वाकिफ है। जी बिल्कुल सही है। अब आप जान पहचान वाले आदमी को इसलिए दे रहे हैं कि साहब कहीं से फ़ोन आया है कि साहब इसको काम देना ही देना है, भले ये ठीक करे या नहीं करे लेकिन उसको काम दीजिए, ऐसी ये जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये जो सोसाइटीज़ हैं या कुछ भी हो, हमारी अकेडमी ऐसे नहीं चलेगी। पैसा इनके पास आया इसको खर्च करना है, वो तो फिर हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पैसा खर्च करता है, लेकिन इसको सही तरीके से उनको खर्च करना चाहिए, उन लोगों पर खर्च करना चाहिए। देखिए जी, सबसे बड़ी बात है, हम ये नहीं कहेंगे लेकिन सब लोग कहते हैं कि बहुत सारे स्टेट्स में आर्टिस्टों की बड़ी कदर होती है, जब वो इस एज में आते हैं तो उनको एक थोड़ा सा कोई बेनिफिट मिलता है सरकार की तरफ से, वो कहता है इनका 40-50 साल का ये रहा, अब इनको घर बैठे यार 10,000-20,000 कुछ तो दे दो बेचारों को, इन्होंने बहुत काम किया, नाम कमाया, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है।
पहले पहले सुना था मैंने यहाँ से मिलता है कुछ लोगों को एकेडमी से, अब वो भी शायद नहीं मिलता है। लेकिन अभी आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं, मुझे कुछ दोस्तों से मैंने बात की जो सरकारी लेवल पे हैं, जो काम संभालते हैं, कल्चरल एकेडमी से वाबस्ता हैं। तो उन्होंने कहा जो 2016 में जो ये कुछ चीजें रुकी पड़ी थी जी, लेकिन अभी कुछ दिन पहले एलजी साहब को वो सारी चीजें भेज दी गई हैं और सब चीजों को रिवाइव किया गया है, चाहे स्कॉलरशिप्स हो, चाहे जो ऑर्गेनाइजेशनल फंडिंग हो जो यहाँ के एनजीओज को या किसी मिलती थी, उसको आने वाले दिनों में वो रिलीज करेंगे और उसके लिए पैसा भी अलॉट हुआ है। कि अभी हाल ही की बात है, मैंने आपकी जानकारी के लिए बता दूं, तो अच्छी बात है, मैं आपसे सुन रहा हूं, चलिए तो अगर कोई पॉजिटिव चीज हो रही है वो भी हमें जाहिर है कि उसको भी सराहना करनी चाहिए। जाहिर है अगर कुछ अच्छा करेंगे तो जी, आई विल बी द फर्स्ट मैन, मैं सड़क पे आऊंगा, मैं कहूंगा जी आज हमारी एकेडमी जो है वो वाकई एक अच्छा काम कर रही है। जी जी, आजकल सोशल मीडिया का दौर है जमीर साहब जी, आप जब एक्टिंग में आए या दूरदर्शन में आए आपने बड़े बड़े स्टलवार्ड्स के साथ काम किया, तो वही बड़े इंस्टीट्यूशंस थे या दूरदर्शन से आपने काम सीखा या लोगों को देख देख के या लोगों ने आपको इनक्रेज किया जो बड़े बड़े नाम थे उस वक्त के। आजकल जो सोशल मीडिया का रोल है हमारे टैलेंट के इस प्रमोट करने में या प्रेजेंट करने में, आप क्या समझते हैं कि सोशल मीडिया के फवायद हैं कि नुकसान हैं इसमें? अगर कोई अच्छी चीज़ है वो भी बताइए, अगर कुछ नुकसान हो रहा है वो भी बता दीजिए। देखिए जब ये शुरू हुआ था, फ़ोन आया था पहले जी, लोग कहते थे यार अब पता नहीं है हमारे लिए मुसीबत बनेगी या हमारे लिए ठीक रहेगा, लेकिन फिर एक वक्त आया हमें लगा कि नहीं इस फ़ोन की ज़रूरत है। हम परेशान हो जाते थे, घर में परेशान होते थे, कम्युनिकेशन मिला हमें कि हम लेके जा रहे हैं फ़ोन, घर से फ़ोन आ रहा है, अरे कहाँ हो, हम बम्बई में हैं, इस तरह चल रहा है, वो उनको बताते रहते थे, कमेंट्री देते रहते थे। तो एक फ़ायदा ये था कि हमें घर वालों के साथ रब्ता कायम हुआ। उसके बाद आहिस्ता 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 फिर अब ये शुरू हो गया, यूट्यूब शुरू हुआ, बाकी चीज़ें शुरू हुई जी। सोशल मीडिया का जो है हर चीज़ जिसको आप अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा ही इसमें से निकल आएगा जी। अगर आप कोई ऐसी चीज़ डालेंगे जो सोसाइटी के लिए बकवास है, लेकिन कुछ चीज़ें अच्छी भी आती हैं, अच्छी चीज़ें भी आती हैं, उसका फ़ायदा भी होता है बिल्कुल। तो दोनों सूरतें हैं इसमें, अच्छा भी है और बुरा भी है, लेकिन सिर्फ इस्तेमाल करने तक है कि इस्तेमाल कैसे। अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं हो रही है तो हम कैसे रोकें उसको? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि हम अपने व्यूअर्स को अच्छी चीज़ें ही देना चाहते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी तजुर्बात करते हैं कि जो जायज़ नहीं है, जो अच्छे नहीं लगते लोगों को देखने के लिए, लेकिन हम कैसे इनको फिर रोकें? हमें अवेयरनेस प्रोग्राम्स करने हैं, अपने यूथ को थोड़ा अवेयर करना है कि अच्छी चीज़ कौन सी है, अच्छा कंटेंट क्या है, अच्छा स्क्रिप्ट क्या है, अच्छी डायरेक्शन क्या है, ऐसे तो अवेयरनेस प्रोग्राम्स या कुछ क्या सोचते हैं आप, कैसे हम अपने जवानों को उस चीज़? जवान जो है हमारे वो ये कहते हैं कि साहब आप लोगों का ज़माना वो था जी, माशाल्लाह सूफियान मौसीकी हमारा लाजवाब एक वर्षा है हमारे, तो हमारे नौजवान जो हैं वो कहते हैं या सूफियान मौसीकी अथस लगन में पंसह मिला ठीक कह रही हूँ। ये बेसिकली उनको ये पता नहीं कि इसकी अहमियत क्या है, उसका बैकग्राउंड उनको पता नहीं, इसलिए वो शिकायत करते हैं। मेरे ख्याल में अगर ऐसे वर्कशॉप हो जाए कुछ एकेडमी की तरफ से, एकेडमी का भी फर्ज बनता है इस पर बात कर, सही उनका तो बनता ही बनता है, फर्ज बनता है, दे आर हियर फॉर द प्रमोशन ऑफ समथिंग, तो दैट इज देयर ड्यूटी ऑल्सो टू डू इट। तो कुछ लोगों को बुलाएं, उनको कहें कि कैसे इसको रोका जा सकता है, क्योंकि नौजवानों को पता है जो हम कर रहे हैं चाहे वो गलत ही करते हों, जब लोग देखने वाले हैं फिर इतने लाइक्स इतने शेयर्स ये वो जो वो सोचते हैं कि बस हमारा काम तो हो गया, ज़मीर शाही को 10 लोग जानते हैं, हमें तो 2000 लोग जानते हैं। तो यही वजह है कि हमें उनको समझाना चाहिए अपने नौजवान बच्चों को कि बेटा करो अच्छा है, अच्छी चीज़ करो जी, और जो कश्मीर से जिसकी वाबस्तगी है वो चीज़ करो। आप कोई वेस्टर्न ला के चीज भेज देंगे, वेस्टर्न तो बहुत देखा अपने है, रूट्स को ख्याल में रखिए, तो जहन में ये रखिए कि वी बिलोंग टू दिस वैली जिस, तो उस पर नजर रखिए, वही चीज बनाइए जो हमारे बुजुर्गों को भी अच्छी लगे। सही है, क्योंकि मुझे इसी में 2 मिनट है मुझे जी, 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 जरूर, मुझे याद है एक बार जब मैंने एक न्यू ईयर प्रोग्राम किया था दूरदर्शन में जी, दादा साहब की गजल मेरे जहन में गूंजती थी, तो मुझे कहा गया आपको एंकर करना है ये प्रोग्राम नए साल का, मुझे और नसीम खान थी अनाउंसर, तो दोनों को हमें दिया गया था वो प्रोग्राम करने की। तो मुझे डायरेक्टर ने कहा लेकिन एक बार आप फिर से वो मिमिक्री करेंगे, खैर मिमिक्री मैंने की, उसके बाद मेरा दूसरा आइटम रखा गया, उसमें मैंने कुछ कहानी बोली लोगों को,
मैंने कहा किसी को बोलना नहीं, मैंने शुरू ऐसे किया था, ए बोलना नहीं किसी को, बशीर दादा साहब को भी नहीं बोलना, उनकी जो गज़ल है ना जुल्म नदूरियत, आजकल मैंने देखा नए नए स्टाइल में उसको गाया जाता है। अच्छा मैंने 80s की बात कर रहा हूँ, अभी उसको नए स्टाइल में गाया नहीं, मुझे लगता था नौजवान ट्राई कर रहे हैं। जी जी जी। तो फिर मैंने गाया था, पहले मैंने जी एक ज़माने में इस तरह गाया था जरूर दूर, फिर मैंने दूसरे स्टाइल से गाया, लेकिन आजकल नौजवान कहते हैं इसको ऐसे गाइए, ए जरूर दूर अच्छिया खुदा गवाह चुमिया। अब मैंने उसको कहा भैया ये भी ठीक है, लेकिन इसमें जो लफ्ज़ों का जो ये है, जिस प्यार से दादा साहब ने लिखा है इसके पीछे कोई कारण तो होगा, इसको समझ लीजिए, इसको हम वेस्टर्न नहीं बना सकते। लेकिन इसको फिर छगरी में भी गाया गया, उसमें भी गाया गया, फिर मैं दादा साहब को याद दिलाता हूँ आज, मैंने कहा देखो 80s में मैंने कहा था जी, अगर हम इस चीज़ को संभालेंगे नहीं तो ये हाथ से निकल जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। नबी साहब, जो लोग हमारे बच्चे जवान जो भी लोग एक्टिंग को अपना करियर बनाना चाहते हैं जी, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? मेरा मैसेज तो यही रहेगा उनके लिए कि अगर आप अदाकार बनना चाहते हैं जी, आप मेहनत करें, और अगर आप यहाँ फ्यूचर ढूंढ रहे हैं, अभी तक तो मुझे फ्यूचर इसमें नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, 40 साल काम करने के बाद भी मैं उनसे ये कहूँगा, गुजारिश करूँगा, आप एक्टर ज़रूर बनिए, कहीं ट्रेनिंग करना चाहते हैं वो भी करिए, या आप में नेचुरल टैलेंट है उसका इस्तेमाल करिए, लेकिन कभी भी फुल टाइम मत समझिए। अच्छा, लेकिन लाइन अच्छी है इसमें कोई, हाँ लाइन के साथ साथ अगर साथ में कुछ रोज़गार और भी है तो वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा। वही मैं कहूँगा अपने नौजवानों से, बाकी माशाल्लाह वो बड़े सलाहियत वाले लोग हैं, मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, वो इस बात को समझ सकते हैं, वो लोगों को देखें जिन्होंने 40-40 साल वहाँ दिए हैं मीडिया में, और उनकी जो हालत है उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड पता करें किसकी हालत क्या है। जी जी जी। उस पर आप हमारे इस प्रोग्राम में आए, बहुत अच्छा लगा आज सुबह सुबह आपसे बात करके, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे जनाब वही साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए, बहुत सारी बातें करनी थी लेकिन यहाँ पे हमेशा वो टाइम का ये जो है तो इसमें 2-3 घंटे का एक प्रोग्राम होना चाहिए आर्टिस्टों के साथ मिलके, सभी आर्टिस्टों को बुला के ना एक ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए जिसमें 2-4 आर्टिस्ट हों और आप उन सबसे पूछें, फिर हम बड़ी मज़ेदार कहानियाँ बताएंगे आपको कि जुड़ी हुई दादा साहब और मेरी क्या कहानी है, उमर साहब और मेरी, ऐसे ही सिलसिला रहेगा जरूर, ऐसा भी कुछ अल्लाह करे कि आपके जो चैनल है कामयाब रहे, ये प्रोग्राम जो माशाल्लाह मैं देखता हूँ, एक दो मैंने देखे, बड़े अच्छे प्रोग्राम्स होते हैं। शुक्रिया। आप भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपकी टीम को भी बहुत बहुत मुबारक, और आप सबको मेरा प्यार भरा सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे हमारे बहुत सीनियर आर्टिस्ट और प्रोड्यूसर डायरेक्टर ज़मीर अशाही साहब, कल सुबह एक और शख्सियत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएंगे, तब तक अपने होस्ट और दोस्त वहीद जिलानी को दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters.
गुड मॉर्निंग कश्मीर, नाज़रीन आदाब। गुड मॉर्निंग कश्मीर की खबरों के साथ आप सबसे मुखातिब हो रही हूं मैं हिना जुबैर, और शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से। गुरु नानक जयंती आज मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है गुरु पर्व। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और एलजी मनोज सिन्हा ने दी मुबारकबाद। लगातार बारिशों की वजह से केपी रोड अनंतनाग पर लारीबल और जनरल बस स्टैंड के इलाके आ जाते हैं आप। इलाके में ड्रेनेज निजाम को दुरुस्त करने की मांग। सियाती मुकाम गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी के बाद सयाहों की तादाद में इजाफा। लंबी लंबी कतारों में सयाह गंडोला में सवार होने का कर रहे हैं इंतजार। अखरोट की कीमतों में गिरावट की वजह से किसान बेहद परेशान। किसानों ने सरकार से कीमतों में इजाफा करने की मांग। पूरी दुनिया में गुरु नानक जयंती मजहबी अकीदत और पूरे जोश और जज्बे के साथ मनाई जा रही है। सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव जी की यौम पैदाइश के मौके पर गुरु पर्व मनाया जाता है। गुरु नानक देव जी ने सिख मजहब की बुनियाद रखी थी। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लोगों को मुबारकबाद दी। उन्होंने ट्वीट किया है कि उनकी तालीमात एक अदल पसंद और हमदर्द माशरे की तामीर की हमारी कोशिशों में रहनुमाई करती रहें। उधर जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने भी इस मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी। लगातार बारिशों की वजह से केपी रोड अनंतनाग पर लालीबल और जनरल बस स्टैंड के इलाके जेर आब आ गए हैं। अगरचे फौरी तौर पर म्यूनिसिपल काउंसिल अनंतनाग के अहलकारों ने हरकत में आकर पानी की निकासी को यकीनी बनाया, ताहम लोगों का कहना है कि मौसमी खराबी के दौरान इस तरह के मसाइल अक्सर व बेशतर पैदा होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें तरह तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उधर म्यूनिसिपल काउंसिल के सदर हिलाल अहमद शाह ने इस हवाले से मुस्तकबिल में इकदामात उठाने की बात की और लोगों से भी ड्रेनेज की निकासी को मुमकिन बनाने के लिए तआवुन फराहम करने की अपील की। इलाकों में मुसलसल बारिशों और बाला इलाकों में बर्फबारी के नतीजे में सर्दी में काफ़ी शिद्दत पैदा हो गई है, और इस हवाले से हम इस वक्त जो है KP रोड अनंतनाग में मौजूद है। और सबसे बड़ा जो मसला इस वक्त दरपेश है वो जो टाउन है वो सबमर्ज हो जाता है, और इस वक्त हम लजबल में हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ के ड्रेनेज निज़ाम की क्या सूरत हाल है। और ये यहाँ का मेन होल एक है जो KP रोड पर है, जो ब्लॉकेड होता है ड्रेनेज का, उसकी वजह से जो ये पूरा रोड है वो सबमर्ज हो जाता है। और हम आपको दिखाना चाहेंगे ये खनबल पहलगाम रोड है, जो सिक्योरिटी के एतबार से भी काफ़ी सेंसिटिव है और जो गाड़ियों का काफ़ी गुजर रहता है, काफ़ी रश रहता है इस रोड पर, और ये रोड जो है अक्सर मकामात पर सबमर्ज हो जाता है, यानी कि ज़ैर आब आ जाता है, जिसकी वजह से जो राहगीर है उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और हमारे साथ इस वक्त कुछ लोकल्स मौजूद हैं, इनसे जानना चाहेंगे। आप नाम बताएं अपना और बताएं क्या कहना चाहेंगे। मैं जावेद हुसैन खान हूँ, मैं इधर के रहने वाला हूँ। हमारी प्रॉब्लम है कि थोड़ा सा भी बारिश पड़ती है तो ब्लॉक होता है सब। हम मेरा दुकान है उधर, हम काम नहीं कर सकते हैं, ये ड्रेनेज सिस्टम फेल है। ये सरनल बाला से आकर इधर से पानी आता है, थोड़ा सा पानी होता तो ब्लॉक हो जाता है। अब रिक्वेस्ट है हमारी गवर्नमेंट से कि प्लीज़ प्लीज़ इसको क्या करना है कर दे, लेकिन हम प्रॉब्लम है। लुकों बनो कॉलन पे मकान दुकान बनाए, लुकन करो प्रॉब्लम आज। अगर बच्चे नारा सकूल कहें हेकान बिचोर बच्चे नीर सकूल ना हेकान सहन बेन मोज पक अच्छे जबरदस्त प्रॉब्लम पर आब पे त्रावान बुहरी आज कुलन पन वालन तुम लांग वांग तुम त्रावान सोरे मेहरबानी कर हिलाल सबस गुजारिश कर ये मौकस पे मौकस पे दीन नजर वन मुलिम यहीं तुम त्रावान झोट अथ गए आज यम दिखे सहन शुड़ ग सकूल या कार करो अच्छ बनो जनाब अस गए दह दह इथे बीत। हमने गुजारिश की है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ताला जो भी कहीं पर कोई कमी पीशी है या जहां पर नई बनाने की ज़रूरत है, जो एक बाज़ब्ता तौर सर्वे हुआ है, मुझे उम्मीद है कि वो भी ये शहर देखेगा अनकरीब, ये मसला भी जो है वन टाइम हल होगा। तो क्या अपील रहेगी? अपील यही रहेगी, गुजारिश यही रहेगी कि जो आप ये ड्रेनों में ड्रेन ब्लॉक अननेसेसरी कभी नहीं होती है, ड्रेन हमारी गलतियों से ब्लॉक होती है। अब हम नहीं बताना चाहते हैं
कि क्या क्या चीज़ें वहाँ से निकली है। एक बड़ा चीज़ मैंने आपके सामने बोला कि रज़ाई निकली है, तो मेरी लोगों से गुजारिश है जो भी चीज़ आप डालते हैं वो मेहरबानी करके ड्रेनों में ना डालें। हमारे लोग आते हैं, हर मोहल्ले में आते हैं, हर जगह आते हैं, वहाँ पर आप रखिए, हम वहाँ से उठाएंगे। ये जो सूरत हाल है, ये मामूली सी बारिश होती है तो उसके बाद ये पैदा हो जाती है, और इन लोगों का यही कहना है कि जो अनंतनाग का ड्रेनेज सिस्टम है वो नाकस है, वो टोटल फेल है। हालांकि सरकार ने कई बार कोशिशें की है, म्यूनसिपल काउंसिल अनंतनाग ने कई बार कोशिशें की है कि इस ड्रेनेज निज़ाम में सुधार लाया जाए, लेकिन फिलहाल ज़मीनी सतह पर जब देखा जाता है तो ये ड्रेनेज सिस्टम नाकस का नाकस ही रहता है। न्यूज़ 18 के लिए केपी रोड अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी। सियाहती मुकाम गुलमर्ग में ताज़ा बर्फबारी के चलते सयाहों का खासा रश देखने को मिल रहा है। बड़ी तादाद में सयाह गुलमर्ग का रुख कर रहे हैं, और सबसे अहम बात यह कि सयाह बजरिए गंडोला, कंगडूरी और अफरवट चोटियों पर पहुंचने के मुंतजर हैं, यहाँ भारी बर्फबारी का खूब लुत्फ ले रहे हैं। सुबह सवेरे से ही लंबी लंबी कतारों में सयाह गंडोला में सवार होने का इंतज़ार करते हैं। इन सयाहों का कहना यही है कि गंडोला की सवारी से इन्हें एक कभी न भूलने वाला तजुर्बा हासिल होता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सयाहती मकाम गुलमर्ग के गुलमर्ग गंडोला पर। जिस तरह गुलमर्ग के अंदर बर्फबारी हुई है, ताज़ा बर्फबारी हुई, उसको लेकर सयाह जो हैं काफ़ी खुश हैं, और काफ़ी तादाद में सयाह जो हैं वो गुलमर्ग पहुंच रहे हैं क्योंकि ताज़ा बर्फबारी देखने के लिए। और साथ ही गंडोला के ज़रिए से जो अफरवट और कोंगडोरी में इससे ज़्यादा बर्फबारी हुई है, वहाँ ये बर्फबारी देखने के लिए सयाह जो हैं वो पहुँच रहे हैं। और ये देखिए आप तस्वीरों में किस तरह सयाह जो हैं वो काफ़ी तादाद में जो कोंगडोरी और अफरवट पर जा रहे हैं, क्योंकि जो बर्फबारी यहाँ पर हुई है उस बर्फबारी को देखने के लिए ये चले जाते हैं। कुछ सयाहों से हम बात करने की कोशिश भी करेंगे यहाँ से, ताकि जी आप कहाँ से हैं? हम कलकत्ता से हैं। कलकत्ता से आप आए, आप गंडोला में ऊपर चढ़ रहे हैं, कितनी खुशी है आप? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा। हमको कल बर्फ गिरी है और आज हम आ गया गंडोला में चढ़ रहे हैं। गंडोला बहुत 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 आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। अभी कहाँ जा रहे हैं आप? जी हम गंडोला जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है हमें यहाँ पे आकर। बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा है। तो देखिए ये गंडोला में चढ़ रहे हैं और काफ़ी खुश हैं अभी। और नाज़रीन आपने देखा है कि किस तरह सयाह जो है वो गुलमर्ग गंडोला के ज़रिए से ऊपर अफरवट और कोंगडोरी में जा रहे हैं, और ये काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं क्योंकि इनकी एक नई एक्सपीरियंस होती है इस गंडोला के ज़रिए से, जो जब ये इसमें चढ़कर कोंगडोरी और अफरवट जाते हैं। और उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सयाह गुलमर्ग आए और इस गंडोला की ज़्यादा से ज़्यादा सवारी करें। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा। तो इस वक्त की एक अहम खबर आपको देते हैं। मरकजी वजारत दाखिला के फैसले के बाद नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जेके बीओपीई ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है। मरकज का बड़ा फैसला, मरकजी वजारत दाखिला के फैसले के बाद ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जेके बीओपीई ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है। एमबीबीएस बीडीएस में सीटें मुख्तस की गई हैं। इसके ताल्लुक से हमने आपको पहले भी बताया था कि दहशतगर्दी से मुतासरा बच्चों के लिए खसूसी तौर पर यह इकदाम उठाया गया है। उन बच्चों की तफसीलात जो हैं वो मांगी गई थी, और अब ये बेहद अहम फैसला ख़ास तौर पर उन बच्चों के लिए मरकजी वजारत दाखिला का तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिन्होंने दहशतगर्दी में अपने माँ बाप को, अपने वालदैन को खो दिया है। और फौरी तौर पर इस पर अमल करते हुए एमबीबीएस और बीडीएस में सीटें भी मुख्तस की गई हैं। तो बेहद अहम ये खबर। तो आपको बताएं जेके बीओपीई ने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके ताल्लुक से हमने आपको पहले भी बताया था कि एमबीबीएस और बीडीएस में सीटें मुख्तस की गई हैं। जिस तरह से वहां पर अब बच्चों के लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए लगातार अहम स्कीमें मुतारफ करवाई जा रही हैं, बेहद अहम कदम इसको तसव्वुर किया जा रहा है। मरकज ने इस सिलसिले में तफसीलात जो हैं वो उन बच्चों की तलब की थी जिन बच्चों ने दहशतगर्दी में अपने वालदैन को खो दिया है, उनकी तालीम के लिए बेहद अहम कदम। और अब जेके बीओपीई ने ये अहम नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। एमबीबीएस और बीडीएस में सीटें मुख्तस की जाएंगी, बेहद अहम फैसला ख़ास तौर पर उन बच्चों के मुस्तकबिल के लिए जो कि आला तालीम हासिल करना चाहते हैं।
आगे बढ़ना चाहते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मरकज ने इस सिलसिले में तमाम तर तफसीलात जो हैं वो तलब की थी और उसके फौरी बाद जब तफसीलात आ गई ये नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। बेहद अहम खबर पर इसका क्या कुछ असर जो है वो रहने वाला है, किस तरह से जो ख़ास तौर पर बच्चे हैं दहशतगर्दी से मुतासर बच्चे हैं उनकी आला तालीम के लिए जो ये कदम उठाया गया है इस पर रिएक्शन भी आएंगे वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल ये बेहद अहम खबर मरकजी वजारत दाखिला के फैसले के बाद तफसीलात फराहम की गई, नोटिफिकेशन जारी किया गया और अब इस सिलसिले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। MBBS और BDS पे जो सीटें मुख्तस की गई हैं बेहद सराहनीय कदम। यहां रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। 16 चैनल्स, 15 लैंग्वेजेस, 26 स्टेट्स, 1200 प्लस रिपोर्टर्स, 67 प्लस क्रोर व्यूअर्स, इंडियाज लार्जेस्ट न्यूज नेटवर्क, न्यूज 18 नेटवर्क। Channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। Presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा।
और गुड मॉर्निंग कश्मीर में बेहद अहम खबर जिससे हम आपको लगातार वाकिफ करवा रहे हैं, दहशतगर्दी से मुतासरा बच्चों के लिए MBBS और BDS पे सीटें मुख्तस की गई हैं। चलिए मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडिटर जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल तेजेन सिंह सोडी जी। तेजेन जी, बहुत अहम ये कदम है, खासतौर पर बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, उनकी तालीम को आगे बढ़ाने के लिए बेहद सराहनीय कदम। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने, एक बहुत बड़ा कदम है जो केंद्र सरकार द्वारा लिया गया है। अब इसकी नोटिफिकेशन जो है दी जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन ने भी इशू कर दी है, जिसमें ये फैसला लिया गया है कि वो बच्चे जिनके वालिदैन या उनके रिश्तेदार जो हैं वो आतंकवादियों द्वारा मारे गए हैं जम्मू कश्मीर में, उन्हें एक कोटा मिलेगा MBBS और BDS की परीक्षाओं में, उन्हें रिजर्वेशन मिलेगी। अगर आपको याद होगा, पहले की सरकारों में इस तरह की जो रिजर्वेशन थी सिर्फ आतंकियों के बच्चों को मिलती थी, आतंकियों को के रिश्तेदारों को मिलती थी, लेकिन अब पहली बार केंद्र सरकार द्वारा ये डिसीजन लिया गया है और जम्मू कश्मीर सरकार की भी इसमें नोटिफिकेशन आ गई है कि जो बच्चे जिन्होंने अपने वालिदैन या अपने रिश्तेदार आतंकी हमलों में या आतंकवादियों द्वारा खोए हैं, उन्हें MBBS BDS की सिलेक्शन में उन लोगों को रिजर्वेशन मिलेगी। अगर आप देखें जो प्रायोरिटी सेट की गई है, नोटिफिकेशन इशू की गई है, उसमें ये कहा गया है कि वो वाले बच्चे जिनके दोनों वालिदैन जो हैं वो आतंकवादियों द्वारा मारे गए हैं, उन्हें प्रायोरिटी नंबर 1 में रखा गया है। जो प्रायोरिटी नंबर 2 है उसमें वो वाले बच्चे हैं जिनके फैमिली मेंबर्स जो हैं, जो उनके घर का कमाने वाला बंदा जो है वो आतंकियों द्वारा मारा गया है। और तीसरी कैटेगरी यानी तीसरी प्रायोरिटी उन लोगों को दी गई है जिनको जिनके पेरेंट्स को या परमानेंट डिसेबिलिटी हुई है आतंकी हमलों में। तो ये जो है पहली बार इतना बड़ा डिसीजन लिया गया है उन टेररिस्ट विक्टिम्स के लिए। पहले की सरकारें जब आपको याद होगा कि टेररिस्ट के लिए यहाँ पर पेंशन स्कीम्स जारी किए जाते थे कि टेररिस्ट अगर सरेंडर करेंगे तो उन्हें पेंशन दिया जाएगा, टेररिस्ट अगर मारा जाएगा तो उसकी फैमिली को पैसा मिलेगा, लेकिन यह पहली बार है कि जो कोटा है MBBS में और BDS कोर्सेज में वो आतंकियों के जो विक्टिम हैं, जो रियल सफरर हैं, उनके लिए फिक्स किया जा रहा है। जी जी तेजेन जी, चूंकि जर्नलिज्म से आप जुड़े रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे जाके आपने बहुत पत्रकारिता की है, एक छोटा सा तज्जिया आपसे यहाँ पर जरूर हम चाहेंगे। जिन हाथों में पहले पत्थर होते थे उन्हीं हाथों में अब इंसानों को बचाने वाले आलात होंगे, कहीं ना कहीं ये तारीखी कदम है, किस तरह से देखेंगे सर? देखिए, अगर आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद जम्मू कश्मीर के दौरे पे आए तो उन्होंने एक घोषणा की कि वो जम्मू कश्मीर के बच्चों के हाथ में पत्थर नहीं लैपटॉप देखना चाहते हैं, वो जम्मू कश्मीर के बच्चों के हाथों में कलम देखना चाहते हैं, वो जम्मू कश्मीर के बच्चों के हाथों में स्टेटोस्कोप देखना चाहते हैं। तो तब से ही जो केंद्र सरकार की ये नीति है कि जम्मू कश्मीर के बच्चों को आतंक से, आतंक के साथ में जो गतिविधियां हैं उनसे हटा के एक जो जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में कंस्ट्रक्टिव साइड लगाया जाए, कंस्ट्रक्टिव काम में लगाया जाए, तो उसी के रास्ते में ये एक कदम है कि अब वो जो बच्चे हैं जो कभी पत्थर मारा करते थे, आज अब देखिए वो फैशन शोज में हिस्सा लेते हैं श्रीनगर में। ओल्ड टाउन जो मशहूर होता था डाउन टाउन श्रीनगर का पत्थरबाजी के लिए, वहां पर अब बच्चे रैंप वॉक करते नजर आ रहे हैं। तो ये जो एक चेंज आया है जिसे अंग्रेजी में एक 360 डिग्री चेंज कहते हैं, वो ग्राउंड पे विजिबल है वहां पर। तो वही बच्चे अब, पहले ये इल्जाम लगाया जाता था कि आतंकियों के जो रिश्तेदार हैं उनको सारी फैसिलिटीज दी जाती हैं, लेकिन जो आतंक के जो विक्टिम हैं जिन्होंने अपने परिजन खोए हैं आतंकी हमलों में, आतंकियों ने जिन्हें मारा है, उन्हें हमेशा जो सरकारें हैं इग्नोर किया करती थी। लेकिन अब ये पहली बार हुआ है कि आतंक के जो विक्टिम हैं, जिनके परिजन, जिनके रिश्तेदार आतंकियों द्वारा मारे गए हैं, उनको सरकारें उनकी मदद करेंगी। और ये बहुत बड़ा कदम है कि उन बच्चों को जिनका कोई कमाने वाला नहीं रहता था आतंकी हमलों की वजह से, जिनके पेरेंट, जिनके सिर से माँ बाप का
साया छीना जाता था। अगर किसी बच्चे ने कभी ये सपना देखा था कि बड़े होकर डॉक्टर बनूंगा, लेकिन माँ बाप के कत्ल, आतंकियों द्वारा कत्ल होने की वजह से वो अपने सपने पूरे नहीं कर पाता था, अब उनके लिए एक मौका है कि जम्मू कश्मीर सरकार ने ये फैसला लिया है। जब केंद्र सरकार ने पहले एक नोटिफिकेशन इशू की थी 1/11/2022 को, उसके बाद अब ये नोटिफिकेशन जम्मू कश्मीर में भी इशू हो गई है कि अब से जो एंट्रेंस एग्जाम्स होंगे MBBS, BDS या बाकी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन, उनमें एक सेट रिजर्वेशन जो है, एक कोटा जो है आतंकी विक्टिम्स के लिए दिया जाएगा। जी जी बिल्कुल। तेजेन जी, आखिरी बात ये भी देखना अहम रहेगा कि जो सियासी बयानबाजियां आती हैं, हर जो कदम हुकूमत की जानिब से उठाया जाता है उस पर कहीं ना कहीं नुक्ताचीनी की जाती है, कम से कम इस बेहद अहम फैसले के बाद कुछ पॉजिटिव बयानबाजी भी सामने आएगी, उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनका काम सियासत करना है, सियासत, सियासी पार्टियों का, वो हर चीज में कहीं ना कहीं नून में से नुक्ता तो ढूंढ ही लेते हैं कि कहीं ना कहीं सियासत की जाए, हर एक इशू में उसको पॉलिटिकल कलर दिया जाए, लेकिन जो आम लोग हैं उन्होंने इस चीज को सराहना है, लोगों ने ये देखना है कि कौन सा डिसीजन उनके फायदे के लिए लोगों के फायदे के लिए लिया जा रहा है, ना कि पॉलिटिक्स खेलने के लिए, पॉलिटिक्स करने के लिए। देखिए, हमने जैसे आप कह रहे थे कि जर्नलिज्म में हमने रिपोर्ट किया है कि जब किसी बच्चे के माँ बाप आतंकियों द्वारा मारे जाते हैं, वो बच्चे के जो सारे, सिर्फ माँ बाप का कत्ल नहीं होता, उसके सपनों का भी कत्ल होता है, उसके फ्यूचर का भी कत्ल होता है, क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज नहीं रहते, कोई सहारा नहीं रहता अपने वो सपनों को पूरा करने का। लेकिन अब सरकार द्वारा ये जो पहल की गई है, उनको रिजर्वेशन दी गई है, कोटा दिया गया है, उसमें वो यतीम बच्चे जो अपने वालिदैन या अपने घर की जो कमाई करने वाला जो आतंकी हमले में मारा गया है, उन बच्चों के लिए एक रोशनी की किरण है कि उनके लिए कोटा सेट किया गया है और वो अपने सपने जो हैं डॉक्टर बनने के, अपने सपने जो हैं लोगों की भलाई के लिए काम करने के, वो पूरा कर सकेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल तेजेन जी, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे, बेहद तफसीली आपने यहाँ पर तज्जिया किया है, बेहद खुशायंद ये बात है। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ सीनियर एडिटर जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के तेजेन सिंह सोडी जी, जो कि बेहद अहम जो ये फैसला आया है उस पर तमाम तर तफसीलात और इसका क्या असर होने वाला है उसके ताल्लुक से यहाँ पर हमारे नाज़रीन को बता रहे थे। तो आपको बता दें कि दहशतगर्दी से मुतासरा बच्चों के लिए सीटें मुख्तस की गई हैं, MBBS, BDS पे सीटें मुख्तस की गई हैं और नोटिफिकेशन भी अब इस सिलसिले में बाकायदा जारी कर दिया गया है। एक और अहम खबर, इस साल अखरोट की कीमतों में गिरावट की वजह से किसान परेशान है। त्राल में इस कारोबार से मुंसलिक लोगों ने बताया कि इस साल अखरोट की गिरी की कीमतों में भी कमी आई है, किसानों ने सरकार से कीमतों में इजाफा करने की मांग की है। गिरी का रेट जो था आज से 5 साल 4 साल 6 साल पहले बहुत ज़्यादा था, 12,000 15,000 1500 रुपए गिरी जाती थी हाफ, जो आज 600 साढ़े 600 में जा रही है, बहुत कम पैसे आते हैं, मुश्किल से लागत आती है, लागत भी बराबर नहीं हो जाती है। मेरी अपील सरकार से है कि इम्पोर्ट कम करें, सरकार एक्सपोर्टरों को इस माल को लेने के लिए GST भी मिलेगा गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट का फाइनेंस भी बढ़ेगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट भी बढ़ेगा, और फॉरेन में अगर हमारा माल बेचेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे माल की मिठास और प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, क्वालिटेटिवली हमारा माल सबसे आगे है। वो लाते हैं कैलिफोर्निया से गिरी, उस गिरी का प्रेजेंटेशन नहीं है, उसका रंग 2-3 दिन में फीका हो जाता है, लेकिन हमारा जो रंग है वो कलर जो जैसा भी हो, ब्राउन है, वाइट है, स्नो वाइट है, वो वैसा ही रहता है, हमारा माल सबसे बढ़िया है। जामिया कादरिया त्रगाम शादीपुरा में 11वीं शरीफ उर्स मुबारक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह की मुनासिबत से एक खास इज्तिमा का इनेकाद किया गया। इसमें अकीदतमंदों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर रूह परवर मनाजिर देखने को मिले। ये तकरीब कारवान इस्लामिक इंटरनेशनल मौलाना गुलाम रसूल हामी की सरबराही में मुनक़द की गई। मौलाना गुलाम रसूल हामी ने इस दौरान हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह की सीरत पाक पर तफसीली रोशनी डाली और उनकी सीरत तैयबा को आम इंसानों के लिए मिशाल राह करार दिया।
مبارک عرس انتہائی تزک و احتشام سے منایا جا رہا ہے، نہ صرف سرزمین کشمیر میں بلکہ بغداد، عرب اور پوری دنیا میں حضور سیدنا غوث العظم کی علمی خدمات جو ہیں اور روحانی خدمات جو ہیں ان کو ہر سال یاد کیا جاتا ہے، اور گھیر میں شریف جو ہر مہینے ہوتی ہے، اور آج لیکن کیونکہ عرص گھیرویں تھا اس سلسلے میں آج پورے درست ریاست میں اور ریاست کے باہر دنیا کے چپے چپے کونے کونے میں حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی کی تعلیمات، ان کی سیرت، ان کی کرامات کو دہرایا جاتا ہے، یاد کرایا جاتا ہے۔ یہ ادارہ جو کیونکہ ایک یونیورسٹی بن رہی ہے اب، یہ ادارہ چونکہ غوث اعظم کے نام سے ہی مشہور ہے، معروف ہے، جامعہ قادریہ ہی کہتے ہیں اس کو۔ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول بانی پورہ میں ایک ادبی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کے دوران معروف شاعر غلام نبی زاہد کے شعری مجموعے زولانہ کی رسم رونمائی انجام دی گئی۔ تقریب کا انعقاد لٹریری فورم بانی پورہ نے کافی اینڈ کلام نامی ادبی تنظیم کے اشتراک سے کیا۔ شہباز حقباری، عبدالخالق شمس، میر داچی گامی اور اسکول کے پرنسپل محمد رفیق پرے ایوان صدارت میں موجود رہے۔ تقریب کے دوران دو مقالے پڑھے گئے اور دوسری نشست میں ایک محفل مشاعرہ کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر پروفیسر اسماعیل آشنا نے ادبی سرگرمیوں کے لیے لٹریری فورم اور کافی اینڈ کلام نامی ادبی تنظیم کے رول کی بے حد سراہنا کی۔ یہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے آج کا جو یہ دن ہے، اس میں جو ہمارے نئے شاعر ہیں، جو ابھی بڈنگ رائٹرز ہیں، جو جب وہ آج یہاں پہ ملیں گے، ان سے بات چیت کریں گے، جو ہمارے بزرگ شعرا کرام ہیں، تو ان کے لیے ایک نئی ایکسپیرینس ہے، اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں بھی ایسے ایونٹس منعقد کیے جائیں گے اور ہم ادب کے لیے ہمیشہ آگے آتے رہیں گے۔ ایکچولی غلام نبی زاہد صاحب ایک محقق شاعر اور ادیب ہونے کے ساتھ ساتھ ایک رضاکار بھی ہیں۔ 1972 میں جب پروفیسر رشید نازکی صاحب نے لٹری فورم کا قیام عمل میں لایا، تب سے برابر غلام نبی زاہد صاحب لٹری فورم کے ساتھ شانہ بشانہ کام کر رہے ہیں، اور اس تنظیم کے ساتھ پچھلے 50 سالوں میں جو بھی انٹلیکچولز ہیں بانڈی پورہ کے، وہ اس کے ساتھ ملتے گئے اور اپنی خدمات انجام دیتے گئے۔ اور جو دو تنظیمیں ہیں، یہ کافی اور کلام اور لٹری فورم، یہ بہت متحرک ہیں آدمی طور پر، اور میں ذاتی طور پر بہت خوش ہوں کہ ان کی وجہ سے نہ صرف بانڈی پور میں ادبی تقریبات منعقد ہو رہی ہیں، بلکہ باہر بھی اردو والے علاقوں میں یا کشمیری والے علاقوں میں ان کی جانب سے، ان کی وجہ سے بہت اچھی ادبی یہ فنکشنز منعقد ہو رہے ہیں۔ اور خصوصاً اس میں یہ بھی بات میں نے کہنا چاہوں گا کہ نوجوان ہیں اس تنظیم میں، کافی اور کلام میں، اور بزرگ زیادہ ہیں لٹریری فورم کے ساتھ وابستہ۔ یہ نوجوانوں اور بزرگوں کا جو ملاپ ہو رہا ہے ادب کی دنیا میں، فن کی دنیا میں، یہ بہت خوش آئند۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے راشٹرپتی بھون میں نرسنگ پیشے سے منسلک افراد کو سال 2021 کے لیے نیشنل فلورنس نائٹنگل ایوارڈ پیش کیا، جس میں سکمز سے ریٹائرڈ نرس احمد اللہ وانی بھی شامل تھے۔ احمد اللہ وانی کا تعلق جنوبی کشمیر کے قاضی گنڈ سے ہے۔ وانی سری نگر میں گزشتہ کئی برسوں سے مقیم ہیں اور یہاں اپنی بیش بہا خدمات انجام دیتے رہے ہیں۔ 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers, India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ जासमिन शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। हिमाचल के रण में बीजेपी कांग्रेस का प्रचार अभियान तेज, स्टार प्रचारकों ने संभाली प्रचार की कमान। बीजेपी के लिए गडकरी और स्मृति मैदान में, तो कांग्रेस के लिए भूपेंद्र हुड्डा और सचिन पायलट को कमान। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का प्रचार अभियान जारी, बिलासपुर में करेंगे कई जनसभा, हमीरपुर में पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का लेंगे जायजा। हिमाचल में कांग्रेस के लिए स्टार प्रचार में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और रणदीप सुरजेवाला, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंचेंगे हिमाचल, लेंगे नेताओं की बैठक। सीएम योगी आदित्यनाथ की ताबड़तोड़ रैलियां जारी, कांगड़ा, आनी और ठियोग में जनसभा, शिमला में मोर्चा संभालेंगे रविशंकर प्रसाद। सीएम जयराम ठाकुर का तूफानी प्रचार जारी, किन्नौर, धर्मपुर और सिराज में जनसभा, भाजपा प्रत्याशियों के लिए करेंगे वोट की अपील। कांग्रेस में रूठों को मनाने में जुटी प्रतिभा सिंह, देहरा और ज्वालामुखी में चलाया प्रचार अभियान, नाराज नेताओं से की बातचीत। और चलिए शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ, जहां केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हमीरपुर के सुजानपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की तैयारियों का जायजा लेने पहुंच रहे हैं। इसके बाद उनका बिलासपुर के घुमारवी में जनसभा करने का कार्यक्रम है, झंडूता में वो जनसभा करेंगे, गेहडवी में भी जनसभा करेंगे, बिलासपुर सदर में जनसभा का कार्यक्रम रखा गया है। इसके अलावा तलियाणा में जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां वो बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मंच से प्रचार भी करेंगे, वोट की अपील भी करेंगे। तो आपको बता दें एक बार फिर से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल पहुंच रहे हैं, वहां पर तैयारियों का जायजा लेने के लिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हमीरपुर के सुजानपुर जाएंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा होने वाला है। इसके अलावा बिलासपुर के घुमारवी में जनसभा करेंगे, झंडूता में भी जनसभा करेंगे, बिलासपुर सदर में भी वो भाजपा प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रचार अभियान लगातार जारी है, उनकी कांगड़ा के पालमपुर में शहीद विक्रम बत्रा मैदान में जनसभा होनी है, कुल्लू के आनी विधानसभा क्षेत्र में रघुवीर स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा शिमला के ठियोग में वो ठियोग आलू मैदान में जनसभा करेंगे, वो यहाँ भाजपा प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करते नजर आएंगे। तो लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हिमाचल प्रदेश में भाजपा के लिए प्रचार अभियान की कमान संभाल रखी है। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में आज वो जनसभाएं करेंगे, शिमला के ठियोग में भी जनसभा का कार्यक्रम रखा गया है और भाजपा प्रत्याशियों के लिए वो वोट की अपील करते हुए मंच से नजर आएंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर हिमाचल पहुंच रहे हैं, वो चंबा के भरमौर में जनसभा करेंगे, उनका
कबायली विधानसभा क्षेत्र में प्रचार का कार्यक्रम रखा गया है। यहां वो भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर जनकराज के पक्ष में वोट की अपील करने वाले हैं। तो अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज स्टार प्रचारकों की सूची में एक और नाम जुड़ चुका है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज भाजपा के लिए प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। चंबा के भरमौर में वो जनसभा को संबोधित करेंगे। कबायली विधानसभा क्षेत्र में आज वो प्रचार की कमान संभालेंगे। भाजपा प्रत्याशी हैं डॉक्टर जनकराज, उनके पक्ष में वोट की अपील करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर लगातार सक्रिय हैं और इसी क्रम में आज उनका तूफानी प्रचार अभियान जारी है। वो किन्नौर में पुलिस मैदान रिकांगपियो में जनसभा करेंगे, मंडी में धर्मपुर के भराड़ी में जनसभा करेंगे, अपने गृह क्षेत्र सिराज के थाची मैदान में भी वो जनसभा करेंगे, मंडी की स्कोडीपुल पार्किंग में भी जनसभा करने का कार्यक्रम रखा गया है। इन सभी जगह पर भाजपा प्रत्याशियों के लिए आज वो प्रचार करते हुए नजर आएंगे। तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने गृह जिले मंडी में प्रचार की कमान आज संभाल रखी है। इसके अलावा रिकांगपियो में वो जाएंगे, वहां पर जनसभा करेंगे। लगातार उनका तूफानी प्रचार अभियान जारी है। सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी विचित्र का, जो ज्यादा जानकारियों के साथ इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। विचित्र, आज भाजपा की ताबड़तोड़ रैलियां एक बार फिर से होने वाली हैं, जहां अनुराग ठाकुर सुजानपुर जाएंगे, उसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार रैलियां कर रहे हैं। शिमला के ठियोग वो जाएंगे, इसके अलावा यहाँ पर नितिन गडकरी भी आज पहुँचे हुए हैं, वो भरमौर में आज जनसभा करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपने गृह क्षेत्र में आज लगातार प्रचार की कमान संभाले हुए हैं, आज वहाँ पर जाएंगे। किस तरीके से स्टार प्रचारकों का आज का ये कार्यक्रम रहने वाला है और इसके जवाब में कांग्रेस की तरफ से कौन स्टार प्रचारक होगा, विचित्र? देखिए जासमिन, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो देवभूमि का जो ये सियासी रण है, इसकी जो व्यूह रचना भारतीय जनता पार्टी की ओर से की गई है और की जा रही है, वो बेहद ही एक तरह से हम लोग देखें तो बड़ी अलग है, डिफरेंट है और रोचक भी है। क्योंकि इन्होंने जब से ये अभी, यानी मैं जो आज के स्टार प्रचारक के जो दौरे करने वाले हैं, उससे पहले कुछ और बात यहाँ पर जो है वो अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से पहली इन्होंने दो दिन पहले अपना संकल्प पत्र जो है वो जाहिर किया था और उसमें जिस तरह से जो घोषणाएं की हैं प्रदेश के लिए, उसके बाद स्ट्रेटजिक तरीके से, एक रणनीतिक तरीके से जो है वो किस तरह से अपने दिग्गज जो नेता हैं उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए उतारा जा रहा है। बीते कल हम लोगों ने देखा कि किस तरह से केंद्रीय मंत्री जो है जितेंद्र सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है पहले शिमला में की, उसके बाद धर्मशाला में की और संकल्प पत्र के बारे में डिटेल में बातचीत की कि उनका संकल्प पत्र अभी क्या है और पहले क्या था, यानी भारतीय जनता पार्टी का पहले क्या रणनीति थी प्रदेश को लेकर और अब आगे क्या रहने वाली है। उसके अलावा अगर हम लोग आज देखें तो रविशंकर प्रसाद जो है वो पूर्व में कानून मंत्री रह चुके हैं, अभी सांसद हैं और वो दिग्गज नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। आज उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए उतारा है और 11:30 से 12 बजे के बीच में शिमला में रहने वाले हैं, वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और शाम को जो है वो फिर दूसरी राजधानी धर्मशाला में आने वाले हैं, वहां भी इसी तरह का उनका शेड्यूल है, यानी वो संकल्प पत्र पर ही बातचीत करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प लिया है उसको क्या करने वाले हैं। ये तो रही बात इस तरह की स्ट्रेटजी की, देखिए किस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है इस सियासी रण में व्यू रचना के अकॉर्डिंग जो है वो लगातार प्रचार प्रसार भी कर रही है और अपनी एक एक फैसले का भी प्रचार प्रसार किस तरीके से कर रही है, ये सभी के लिए जो है वो रोचक बना हुआ है और दिलचस्प बना हुआ है। अब बात करते हैं हम लोग स्टार प्रचारकों की। खैर, अगर हम लोग भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को देखें तो वो तो हिमाचल के ही सपूत हैं, वो तो यहां के ही रहने वाले हैं और वो लोग जो है वो तो लगातार जो है वो कर रहे हैं, दौरे कर रहे हैं। अगर हम लोग अनुराग ठाकुर का दौरा लें तो देखिए सुबह वो 7 बजे ही उठ गए हैं, आज समीरपुर के रहने वाले हैं, समीरपुर में वो 7 बजे उठ गए हैं और कल जो है प्रधानमंत्री मोदी सुजानपुर में आने वाले हैं, हमीरपुर का ही वो विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर आने वाले हैं और वहां पर वो सुबह ही निकल गए हैं और वहां पर जाकर जायजा भी लिया है कि प्रधानमंत्री की जो ये रैली है उसमें किसी तरह की कोई कमी पेशी तो नहीं है, अगर किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है, पंडाल वगैरह ठीक तरीके से सज रहे हैं कि नहीं सज रहे हैं। उसके बाद देखिए ताबड़तोड़ वो रैली करने वाले हैं। बीते कल भी हम लोगों ने देखा कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जो है वो दर्जन भर से भी ज्यादा उन्होंने जो है कई जनसभाएं की हैं, कई नुक्कड़ सभाएं की हैं, कई जगहों पर वो प्रत्याशियों के पक्ष में जो चुनाव प्रसार करते नजर आए हैं। आज भी ठीक इसी तरह से अभी वो समीरपुर में से जो है निकले थे तो सुजानपुर गए थे, वहां पर जो है वो मोदी की रैली का जायजा लिया, उसके बाद जो है वो फिर बिलासपुर में जाएंगे, झंडूता में वो विधानसभा घुमारवी में वो जो है वो जनसभा करेंगे, उसके बाद झंडूता में वो जनसभा करेंगे, ठीक इसी तरह से शाम को भी वो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में इसी तरह से प्रचार प्रसार करते हुए आज वो नजर आने वाले हैं। हां, उनका जो आज चुनावी प्रचार है वो जनपद बिलासपुर के ही इर्द गिर्द जो है वो रहने वाला है। अब हम नितिन गडकरी की बात करें तो नितिन गडकरी जो है वो इससे पहले
पहले भी लगातार चुनाव प्रचार के लिए जो है उतरे हुए हैं हिमाचल प्रदेश में, और आज जो है हिमाचल प्रदेश के कबायली क्षेत्र भरमौर में वो पहुंच रहे हैं। 12:15 का शेड्यूल है उनका कि 12:15 जो है वो विशेष चौपर से जो है पठानकोट से भरमौर पहुंचेंगे और यहां पर जनसभा को जो है वो संबोधित करेंगे, और उसके बाद उनका आज ये सिंगल ही दौरा है, उसके अलावा वो कहीं और जाने वाले नहीं है। और अगर हम लोग योगी आदित्यनाथ की बात करें तो ये फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। वो जो हैं वो आज पहले तो आएंगे, यानी दोपहर से पहले का उनका जो शेड्यूल है वो है पालमपुर का। ये डॉक्टर ये विक्रम बत्रा, जो कैप्टन विक्रम बत्रा हैं, शहीद विक्रम बत्रा, उन वो जो ग्राउंड वहां पर है वहां पर विशाल जनसभा को वहां पर संबोधित करेंगे। इनका जो शेड्यूल है वो 11:00 का यहां पर रखा गया है। उसके बाद जो है वो सीधे कुल्लू के आनी विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे। उसके ठीक बाद जो है दोपहर के बाद वो शिमला के ठियोग में जो है वो नजर चुनावी प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। और जिस तरह से जहां भी जा रहे हैं उस जिस तरह से वो जो है वो अपने प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जो है इस चुनाव को जो है बड़ा सीरियस तरीके से जो है वो लड़ती हुई नजर आ रही है। अगर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की बात करें तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कोई दो राय नहीं है कि भाजपा इस प्रचार को और इस चुनाव को काफी सीरियस तरीके से ले रही है, और जिस तरीके से यहाँ पर नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है, इशारा 2024 के चुनावों की तरफ भी होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आज किस तरीके से स्टार प्रचारकों का ये प्रचार अभियान रहेगा, किस तरीके की तस्वीरें सामने आएंगी, नजर आप बना के रखिए। विचित्र दोबारा जुड़ेंगे आपसे, जानकारियां लेंगे, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 2 दिवसीय हिमाचल आने वाले हैं। वो दोपहर बाद शिमला पहुंचेंगे जहां वो हिमाचल कांग्रेस के आला नेताओं के साथ बैठक करेंगे। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह समेत कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। तो अहम खबर आपको बता दें जहां मल्लिकार्जुन खड़गे नव निर्वाचित कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष आज हिमाचल के 2 दिवसीय दौरे पर आने वाले हैं। सबसे पहले वो राजधानी शिमला पहुंचेंगे, वहां पर प्रदेश कांग्रेस के आला नेताओं के साथ उनकी अहम बैठक होनी है, उसमें प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह मौजूद रहेंगी। इसके अलावा कांग्रेस के प्रदेश के तमाम बड़े नेता इस बैठक में शामिल होंगे। ये पहला मौका है जब राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के बनने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे हिमाचल पहुंच रहे हैं। 2 दिनों का उनका ये दौरा रहने वाला है। चुनाव प्रचार अपने अंतिम चरण में चल रहा है और ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे हिमाचल पहुंच रहे हैं, यहां पर जीत का मंत्र देते हुए कांग्रेस के आला नेताओं को वो नजर आएंगे। और इसके अलावा हिमाचल के चुनावी दौरे पर अशोक गहलोत भी रहने वाले हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, और शिमला के दौरे पर आने वाले हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वो कांग्रेस के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। रणदीप सुरजेवाला भी इस दौरान साथ होंगे, बीजेपी के हमलों का जवाब देते हुए ये दोनों ही नेता नजर आएंगे। तो अशोक गहलोत, राजस्थान के मुख्यमंत्री, रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस पार्टी के तेज तर्रार नेता माने जाते हैं। दोनों ही नेता शिमला पहुंच रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और जिस तरीके से भाजपा के स्टार प्रचारकों ने कांग्रेस पर अलग अलग मंचों से आरोप लगाए हैं, उन आरोपों का जवाब देते हुए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आएंगे। इसके अलावा कांग्रेस नेता सचिन पायलट भी हिमाचल के दौरे पर आज लाहौल स्पीति में रहने वाले हैं। वो यहाँ पार्टी प्रत्याशी रवि ठाकुर के पक्ष में चुनाव प्रचार करने वाले हैं। उनका पुलिस ग्राउंड में जनसभा का कार्यक्रम है। तो एक बार फिर से सचिन पायलट कांग्रेस की तरफ से प्रचार प्रसार की कमान संभाले हुए लाहौल स्पीति वो जाएंगे, और कांग्रेस प्रत्याशी रवि ठाकुर के पक्ष में वोट की अपील जनता से सचिन पायलट करेंगे। इसके अलावा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी आज कांग्रेस के लिए प्रचार प्रसार करने वाले हैं। वो मनाली विधानसभा क्षेत्र के गाहर और राउगी में जनसभा करने वाले हैं और कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करेंगे। तो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगे, और सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी वीरेंद्र का, जो ज्यादा जानकारियों के साथ इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, जहां भाजपा एक तरफ तमाम स्टार प्रचारकों को हिमाचल प्रदेश बुला रही है, भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, वहीं अब कांग्रेस भी अपने इस प्रचार को अंतिम चरण में गति देती हुई नजर आ रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस पार्टी के पहली बार हिमाचल आ रहे हैं। अशोक गहलोत राजस्थान के तेज तर्रार नेता मुख्यमंत्री हैं और वो पहुंच रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसके अलावा आज तमाम बड़े चेहरे कांग्रेस पार्टी के, जिनकी कमी खल रही थी, और बार बार हम ये सवाल कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई बड़ा चेहरा क्यों हिमाचल नहीं पहुंच रहा है, आज वो तमाम बड़े चेहरे एक साथ हिमाचल आ रहे हैं। क्या कुछ जानकारियां इसको लेकर मिल पाई हैं वीरेंद्र?
देखिए जैस्मिन, सबसे बड़ा नाम आज के अगर हम कहें स्टार प्रचारकों का या फिर बड़े नेताओं का अगर हम नाम कहें तो सबसे बड़ा नाम मल्लिकार्जुन खड़गे का ही है। वो यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर वो पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, उनके साथ उनकी बैठक होगी, मंथन होगा, निष्कर्ष निकाला जाएगा कि किस प्रकार से जो आगामी रणनीति हमने तय करनी है, कैसे कांग्रेस पार्टी का जो चुनाव प्रचार, अब देखिए आप आज 8 तारीख हो गई, कल 9 तारीख है और परसों 10 तारीख को शाम को 4 या 5 बजे चुनाव प्रचार बंद होने वाला है। मतलब कि हम ये भी नहीं कह सकते अब कुछ दिन जो है वो शेष बचे हुए हैं, अब सिर्फ चंद घंटे जो है वो शेष बचे हुए हैं चुनाव प्रचार के लिए, और इन चंद घंटों में अब कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से पूरी की पूरी ताकत जो है चुनावी मैदान में झोंकी जाएगी। इसलिए हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के चुनाव प्रचार को किस तरीके से बूस्टअप करना है, इन सब बातों को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे आज शाम को जो है वो शिमला पहुंच रहे हैं। शिमला में उनका जो पार्टी के जो शीर्ष पदाधिकारी हैं उनके साथ मीटिंग रखी गई है, उस मीटिंग के बाद फिर उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वो पत्रकारों के माध्यम से बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी की आगामी रणनीति क्या रहने वाली है, कौन कौन लोग यहां पर प्रचार करने के लिए आएंगे। इसके अलावा जैसा कि आपने बताया कि राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, वो भी यहां पर जो है वो कांग्रेस पार्टी के प्रचार के लिए आ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा जो है वो यहां पर आ रहे हैं। सचिन पायलट का यहां पर है, सचिन पायलट का लाहौल स्पीति के साथ साथ मंडी जिला के करसोग में भी उनका एक कार्यक्रम है। प्रतिभा सिंह की अगर हम बात करें जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, प्रतिभा सिंह उनका आज जो पहला कार्यक्रम है वो मंडी जिला के जोगिंद्रनगर में है, वहां पर वो पार्टी प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करेंगी। उसके बाद फिर वो चंबा जिला के भटियात जाएंगी, वहां पर उनका जो है वो चुनाव प्रचार का कार्यक्रम है। उसके बाद फिर उनका वापस जो है वो शिमला पहुंचने का कार्यक्रम है, क्योंकि शिमला में उनकी मुलाकात जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ होनी है, वो जहां पे वो मीटिंग होगी उस मीटिंग में वो विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने क्या कुछ किया और आने वाले समय में अब चुनाव प्रचार को लेकर क्या कुछ करना चाहती है, ये सारी की सारी रिपोर्ट अगर मल्लिकार्जुन खड़गे को कोई देगा तो वो प्रतिभा सिंह ही देंगी। इसलिए प्रतिभा सिंह दो जगह पर आज चुनावी जनसभाएं करने के बाद सीधे वापस शिमला जा रही हैं। शिमला में फिर वो वहां पर जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलेंगी। हम कह सकते हैं कि अब चुनाव प्रचार के लिए कुछ समय शेष बचा हुआ है और अब बड़े जो नेता है उनके यहाँ पर आने का सिलसिला जो शुरू हो गया। कल जैसा कि आपको पता ही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दो बड़े कार्यक्रम जो है वो हिमाचल प्रदेश में रखे हैं, तो इसलिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से अब उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है सबसे बड़ा चेहरा इस वक्त हम कह सकते हैं, क्योंकि जब पार्टी की तरफ से उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है तो पार्टी को वही लीड कर रहे हैं और वही इस वक्त पार्टी का जो है सबसे बड़ा चेहरा भी है, तो इसलिए वो अब चुनावी मैदान में यहां पर उतरने के लिए आज यहां पर आ रहे हैं। और कल मल्लिकार्जुन खड़गे की हम बता दें आपको कि दो चुनावी जनसभाएं भी कल उनकी रखी गई है। आज शाम को शिमला में ही रुकेंगे और कल दो चुनावी जनसभा, जिसमें एक शिमला ग्रामीण में है, वहां पर बनूटी एक स्टेशन है, वहां पर उनकी एक चुनावी जनसभा रखी गई है, और उसके अलावा जो नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र है, नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में भी उनकी एक चुनावी जनसभा रखी गई है। हालांकि उसके बाद उनका वापस जाने का कार्यक्रम है, लेकिन जो बाकी कांग्रेस के नेता है उनके जो शेड्यूल जो बन चुके हैं, अब दो दिन का ये प्रचार बचा हुआ है, इस दो दिन के प्रचार में जो चंद घंटे बचे हुए इन चंद घंटों में अब दिन और रात एक होने वाला है, और दिन और रात में अब कांग्रेस पार्टी के जितने भी नेता है या हम कहें भाजपा के जितने भी नेता है वो पूरे तरीके से पूरी ताकत जो चुनावी मैदान में झोंकने वाले हैं, ताकि बिल्कुल खड़े हुए दो राय नहीं है कि अब चुनाव प्रचार अभियान अपने अंतिम चरण में चल रहा है और दोनों ही पार्टियों के तमाम बड़े चेहरे, बड़े नेता अपनी पूरी ताकत यहाँ पर झोंकने वाले हैं, क्योंकि 10 तारीख को शाम 4 या 5 बजे खत्म हो जाएगा प्रचार प्रसार, और उससे पहले दोनों ही पार्टियां ये चाहती हैं कि जो जनता है, जो निर्णायक भूमिका में अब आ चुकी है, उसे अपनी तरफ करने की पूरी पूरी कोशिश की जाए। वीरेंद्र, नजर आप बना के रखिए, दोबारा आपसे जुड़ेंगे, जानकारियां लेंगे, फिलहाल के बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। 87 प्लस crore व्यूअर्स, इंडियाज लार्जेस्ट न्यूज नेटवर्क, न्यूज 18 नेटवर्क।
across 16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Channels, 15 languages. Headlines presented by Pet Safa Ayurvedic Churn. Pet Safa, to har rog dafa. Presented by Pet Safa Ayurvedic Churn. Pet Safa, to har rog dafa. और ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी आज प्रचार अभियान संभालने वाली है। सिरमौर के नाहन में वो प्रचार अभियान करेंगी। नाहन में जनसभा के बाद पच्छाद विधानसभा क्षेत्र में भी वो प्रचार प्रसार करने वाली हैं। यहाँ वो बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करेंगी। तो एक बार फिर से स्मृति ईरानी प्रचार अभियान की कमान संभालने वाली हैं। वो नाहन जाएंगी और उसके बाद पच्छाद में प्रचार अभियान चलाएंगी। वहाँ पर भाजपा प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करती हुई स्मृति ईरानी नजर आएंगी। हिमाचल में बीजेपी के प्रचार की कमान संभाल रहे सीएम जयराम ठाकुर अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। उनसे बात किए हमारे सहयोगी वीरेंद्र भारद्वाज ने, देखिए। क्षेत्र के विधायक और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर चुनाव प्रचार में हैं और हम इनसे बातचीत करेंगे। साथ साथ सर, अगर हम पर्टिकुलर सराज विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो पांच वर्षों में इन सराज विधानसभा क्षेत्र में क्या कुछ हुआ, क्योंकि आप विधायक के साथ साथ एक मुख्यमंत्री भी थे, तो सराज के लिए निश्चित तौर पर थोड़ा ज्यादा मिला होगा। क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ होना भी बाकी है? देखिए, सराज विधानसभा क्षेत्र में मैंने आने वाले समय के लिए मुझे लगता है कि किसी चीज़ को अब छोड़ा नहीं है जो करने के लिए है। सराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत एसडीएम का दफ्तर बाली चौकी, बीडीओ का दफ्तर बाली चौकी, एक्शन आईपीएच का दफ्तर बाली चौकी, पीडब्ल्यूडी का दफ्तर जो है आउट में, और उसके बाद एससी पीडब्ल्यूडी का दफ्तर, पीडब्ल्यूडी का डिवीज़न जंजैहली में, एससी आईपीएच का डिवीज़न और उसका सर्कल थुनाग में दिया, और इस तरह से सब तहसील थाची में, सब तहसील बागा चुनोगी में, और यहाँ पर पीएससी से सीएससी बना करके दिया। इतने सारे बहुत सारी, और सबसे बड़ी बात के सड़कों का जो यहाँ पर जो बहुत कमी थी वो लगभग कनेक्टिविटी मैंने पूरी कर ली, और आने वाले समय में यहाँ सराज विधानसभा क्षेत्र में सड़कों को पक्का करने का काम रह गया। बस भविष्य के लिए कुछ आपका और प्लान होगी सराज, अगर आप जब दोबारा चुनकर आते हैं और दोबारा आपको बड़ी जिम्मेवारी मिलती है तो सराज को लेकर पर्टिकुलर क्या फोकस आपका रहेगा? बंजार विधानसभा क्षेत्र और सराज विधानसभा क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से बहुत बड़े महत्वपूर्ण केंद्र हैं। दोनों में बहुत बड़ा पोटेंशियल है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर कनेक्टिविटी की थी। कनेक्टिविटी अब हमारी इम्प्रूव हुई है, सड़कें जब पक्की हो जाएंगी तो मैं कहता हूँ कि देश के टूरिस्ट जो है ऐसे पहाड़ों में आकर के, ऐसे सुंदर स्थानों पर आकर के जो है वो आनंद करेगा, और उससे हमारी इकोनॉमी भी और रोज़गार भी, सारी चीज़ें जो है बेहतर होंगी। टूरिस्ट के लिए ज़रूरी होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की दृष्टि में क्या कुछ कर रहे हैं, कुछ हुआ और क्या कुछ होना जो है बाकी है? वही हम सारी चीज़ों को लेकर के कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में अगर टूरिज़्म का इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के कहें तो हमने जो प्लान किए हैं, कोविड के कारण हमको थोड़ी दिक्कत आई, लेकिन एडीबी का प्रोजेक्ट हमको जो सैंक्शन हुआ 2100 करोड़ का, जो प्रधानमंत्री जी ने किया है विशेष तौर से, उसके कारण टूरिज्म के क्षेत्र में बहुत सारी चीज़ें करने की आने वाले समय में संभावना है। वो सारी चीज़ें हम आने वाले समय में करेंगे। नई डेस्टिनेशन, टूरिस्ट डेस्टिनेशन, गाड़ाक्षण का इलाका, थाची का इलाका, हमारा ये जो बंजार का, हमारा ये बाहू का इलाका, बाहू के साथ साथ में हमारा सैंज का इलाका, इतने सुंदर स्पॉट है वहाँ पर पर्यटन की दृष्टि से,
जहां टूरिस्ट आता तो है लेकिन सुविधा इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने के कारण वो टिकता नहीं है। तो आने वाले समय में इन सारी चीजों को देख रेख करेंगे। उधर की बेरोजगारी बहुत है, बच्चा है जैसे आजकल सर कहीं भी रोजगारी का ही है, आजकल टोटल बेरोजगारी है सर। तो इस बार सर सरकार तो अब देखते हैं सर कौन सी बदलाव है, जिसमें बदलाव होगा उसमें एक्सपोर्ट दिया जाएगा सर। हाँ जी, हाँ जी सर। सर महंगाई तो किसी टाइम तो सर महंगाई तो 10-12 सालों से सर बहुत महंगाई हो रही है सर। ये तो जी कोई भी पार्टी एक्शन में आती है वो कोशिश यही करती है कि हम किस तरह पब्लिक को बेवकूफ़ बनाएं। अब ये विकास नाम का कोई है नहीं यहाँ पे, क्या विकास होता है, ये सिर्फ कागजों में बोलना है इनका बस और कुछ नहीं है। विकास नाम की यहाँ कोई चीज़ नहीं है। क्या हुआ है पिछले 5 साल में, क्या हुआ है सब सामने है, पब्लिक भी देखती है, बस इतना है कि पब्लिक देखती है बोलती है। वादे तो बहुत करते हैं से, पर कुछ वादे निमाने भी होते हैं, जैसे सड़क है हमारे इधर ऊपर संगड़ा एरिया में, कई ऐसी जगह हैं जहां पर सड़कों का अभी तक भी कोई ये नहीं है। अगर कोई मरीज होता है तो उसको उठा के ले जाना पड़ता है हॉस्पिटल की तरफ। तो खासकर सड़कों का ध्यान और पानी का, ऐसे कई मुद्दे हैं, शिक्षा का है, तो ऐसे मुद्दे के जो चुनावी वादे बनाते हैं तो उनको पूरा भी तो करना चाहिए। सर आज तक तो हुए नहीं है, लेकिन जो ये वायदे और घोषणाएं कर रहे हैं अब वर्तमान में देखते हैं, भविष्य में देखते हैं। वैसे तो ये धरातल पे उतरती तो है नहीं, ये तो झूठे और लुभावने वायदे होते हैं, ये चुनावी वायदे होते हैं। सबसे बड़ी तो जी महंगाई है, बेरोजगारी है ना जी, लोग भटक रहे हैं, काम धंधा है नहीं, और जो है क्या कहते उसका नाम, उसके बाद आपके जो है ये शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है, कई मामले हैं, मामला एक नहीं अनेक हैं। तो इसी तरह आप भी हमारे इस खास पेशकश कहता है वोटर में अपना चुनावी मुद्दे के साथ वीडियो हमें भेज सकते हैं। न्यूज 18 पर हम वोटर की बात दिखाएंगे, आप अपने वीडियो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9346975756। तो मोबाइल उठाइए, वीडियो बनाइए और हमें भेजिए, हम उसे जरूर दिखाएंगे। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers, India's largest news network, News 18 Network.